सीरियल होता है, जैसे कभी सांस में भी कभी बदबू थी, तो जब सीरियल के बीच में जब एड आए तो उसको देख लिया करो, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो आपके आमने सामने जो चीजें हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करो कि भी ये किस किसकी कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ होनी चाहिए, इसकी वैसे आगे ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन फिर भी रिलेट करने की कोशिश करो कि भी ये चीज किससे रिलेटेड होगी, कौन से प्लैनेट से रिलेटेड। प्लैनेट्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट दीज आर साइंस, साइंस के साथ साथ हाउसेस, तो तीन ही चीजें हैं मोटे तौर पे, प्लैनेट्स हाउस एंड साइंस। तो इसके अंदर जो साइंस है वो भी हमें और पढ़ने, तो 9 प्लैनेट्स 12 साइंस 12 हाउसेस। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें याद होंगे तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी हैंडल कर पाएंगे। इन्हीं के ऊपर बेस्ड नक्षत्र हैं, नक्षत्र के नाम आपने भी सुना होगा, तो नक्षत्र है तो हम प्रिडिक्शन जो है इन्हीं के बेस पे करते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने साइंस लिखे हुए हैं, ये इनके साइंस का मतलब ये है, मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो ये टॉरस हो गया। ठीक है, तो टॉरस वाला आदमी कैसा होगा, एरीज वाला आदमी कैसा होगा, हम ये पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि प्रिडिक्शन होती है ऑन दी बेसिस ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो 2018 अभी आएगा तो उससे 3 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, indiatimes.com बेजॉन दारूवाला 2018 प्रिडिक्शंस, एरीज की प्रिडिक्शन कैसी रहेगी, जो तो भी एरीज वाले हैं तो वो सन साइन की प्रिडिक्शन है ना, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था आपको। और अखबार में 1 तारीख को या 31 दिसंबर को आ जाएंगी। ठीक है, और मैगजीन्स में हर महीने की आती है, और टीवी पे आप जाओगे इंडिया टीवी में गंजे वाले अंकल बैठे होते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आज मेष राशि का ये भविष्य है, ठीक है इसका ये भविष्य। हमें उसके किसी चक्कर में नहीं पड़ना, ये सभी चीजें जो है ये होगी कि 60 करोड़ लोगों का एक भविष्य बता रहे हो। अरम बिस्किट दे दो भाई, 60 करोड़ लोगों का एक भविष्य है, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 720 करोड़, तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो वो 60 करोड़ एक राशि में आ जाएंगे। तो सबकी एक प्रेडिक्शन करते हैं, सबकी एक प्रेडिक्शन कैसे होती है हम अपने समझ से बाहर है, हमें कम समझ है तो हमें पता नहीं चलता ये 60 करोड़ लोगों की एक प्रेडिक्शन कैसे दे रहे हैं, लेकिन ये दे रहे हैं, ये बड़े जोशी हैं, बड़े जोशी दे सकते हैं। जैसे राज जोशी सन को जहां मर्जी लिखे, मरकरी को जहां मर्जी लिखे, वो तो उसकी उसके बाप का राज है। मरकरी की क्या हिम्मत है कि वो जोशी के कहे बगैर इधर का उधर उधर का इधर हो जाए। सर ये प्लीज, तो अब जो है सो है, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं जो करें, लेकिन जो हम करते हैं वो यही है। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज नेचर ओनली, व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इज नेचर ओनली। इस आदमी जो टॉरस असेंडेंट का होगा, जेमिनी असेंडेंट का, बेसिक नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर को 12 भाग में बांटा गया, फिर उसके आगे मॉडिफिकेशन होती रहती है। मैं एरीज असेंडेंट हूँ तो मेरे एरीज असेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जो 60 करोड़ लोग जो अभी इस दुनिया में हैं और आगे 100 साल में ये सारे चेंज हो जाने वाले हैं, एक करके सारे खंभे उखड़ते जाएंगे और फिर नए नए आते रहेंगे, तो उनके भी ऐसे नेचर होंगे, ऐसे तो होगा नहीं, बट बेसिक नेचर ऐसा होगा। इस तरह से मैं 12 क्लासिफिकेशन आपको बता दूंगा, फिर फर्दर जब इसको हम एडवांस में करेंगे तो वही होगा कि जैसे टॉरस है तो इसके अंदर एक प्लैनेट भी है तो वो उसको मॉडिफाई करेगा, फिर वो कौन सी डिग्री पे बैठा है उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, तो नेचर में मॉडिफिकेशन होती है। तो विल स्टार्ट विद मार्स, सॉरी विल स्टार्ट विद एरीज, और जो एरीज का हम बताएंगे डिटेल तो वो सब पे एप्लीकेबल होगी, 60 करोड़ के 60 करोड़ पे बेसिक। अब उसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें हमें यूज नहीं करनी, क्योंकि तो अगर आप एरीज की कोई बुक आपके हाथ में लग गई तो वो बहुत मोटी किताब होगी,
उसको जब आप दो पेज पढ़ने के बाद तीसरा पेज पढ़ा नहीं जाएगा, नींद आने लग जाएगी। उसमें से कुछ चीजें टैली करेंगी, कुछ चीजें टैली नहीं करेंगी। जैसे आपको लगा कि मैं जेमिनी हूँ तो फिर हमें लगता है हम जेमिनी वाली किताब उठाएं। मैं कैंसर हूँ तो मुझे लगता है मैं कैंसर वाली किताब उठाऊँ, लियो से मुझे क्या लेना। तो एक दो पेज आप पढ़ोगे, अगर बहुत अच्छे रीडर हो, मैं तो दो लाइन के बाद ही नींद आने लग जाती है। आप बहुत अच्छे रीडर हो तो दो पेज के बाद आपको पक्का नींद आएगा। नींद नहीं आ रही है तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है। नींद आनी चाहिए क्योंकि कोई भी बात अकल की होती नहीं, सारी बेसिर पैर की बात होती। दिमाग को समझ आने बंद हो जाती है, अपने आप ही नींद आती है। सत्संग में नींद नहीं आती, सत्संग में बैठो नींद ही आती है। सामने वाले बैठे थोड़े से बैठे होते हैं कि आगे जो गा हो रहा है उसको बुरा ना लगे, ठीक है ना। वो वैसे भी जो बिल्कुल नियरेस्ट रिश्तेदारी आगे बैठे वैसे भी नहीं सकते, बाकी जो हमारे जैसे तो पीछे ही बैठे होते। उधर जो पीछे कोने पे जो सासे बैठी होती है बना के, उधर कोने पे गुए बैठी होती है अपना ग्रुप बना के, सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज मेरी नंद ना डबल डोर अलग फ्रिज ले आई है मैंने चढ़ाने वास्ते, वो अपना लग होती है। जब तक इंटरेस्ट की बात आ रही होती है तो आप नींद नहीं आती आपको, जब डिसइंटरेस्ट हो जाता है फिर नींद आती है। ऐसे तो आएगी नहीं, तो डिसइंटरेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर काम की बात कोई नहीं होती। काम की बात या सच जो होता है वो इतना छोटा सा होता है, उठ के लिए आपको इतनी भूमिका बनानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, है ना। गाय किस तरह गई है भाई, इस तरह गई है, झूठ बोलना होगा, नहीं वो मैंने देखी थी मेरे को समझ नहीं आई, वो किस तरफ गई, वो आई तो थी, वो कहानियां शुरू, ठीक है ना। तो झूठ हमेशा बड़ा होता है, सच हमेशा छोटा होता है। तो इतने में एरीज खत्म हो जाएगा बस। वन तो पता ही है आपको, वन नंबर वन है, एरीज तो नाम लिखना ही पड़ेगा मेरे। तो मेरे पास क्या चीजें हैं, एक दो तीन और चार, ये चार चीजें आपको याद करनी है और इससे कुछ नहीं। ये भी याद करने की जरूरत नहीं, एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब ये हो गया कि जैसे ये एरीज हो गया तो फिर ये टॉरस है, फिर जेमिनी, फिर ये टॉरस, ये जेमिनी, फायरी, अर्थी, एरी, और जो फोर्थ हो गया कैंसर, वाटरी, और फिर ये लियो जो फायरी से शुरू हो जाएगा, और जो ये मूवेबल है इसके बाद टॉरस फिक्स हो जाएगा, जेमिनी दूर हो जाएगा, और ये फिर मूवेबल हो जाएगा कैंसर। सिंपल आप याद करने आपको जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहते हैं तो ये सिंपल याद करने तो बहुत बढ़िया है, इससे हमको कैरेक्टरिस्टिक समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। भारतीय ज्योतिष में सिंबल यूज नहीं होते, प्रयोग नहीं होते, बट अगर हम सिंबल को याद कर लेते हैं तो बड़ा बेनिफिट होता है नेचर को समझने के लिए। तो पहला एरीज है, वहां से शुरू करते हैं। मैं एरीज हूं, ठीक है, आप रिलेट कर रहे हो इसको। फायरी मैंने समझाया था आपको, फायर में क्या होती है, एनर्जी, इसमें वजन नहीं होता, एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ करने को चाहिए, जो आदमी एनर्जी है उसको कुर्सी में नहीं उठा सकते आप, बैठ जाएगा, जिसमें एनर्जी नहीं होगी वो बैठ जाएगा, पत्थर है उसमें एनर्जी नहीं है, वो पड़ा है, पड़ा वो पड़ा ही है। पाषाण युग कितना बड़ा था किसी को नहीं पता, लेकिन कॉपर स्टील ये युग पता है, मशीन युग, मशीन युग बड़ा जल्दी चला गया, पार्ट्स को मशीन थी, ठीक है। पाषाण युग किसी को नहीं था, पहला था, अब कितने हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक नहीं जानता, अनुमान है, ठीक है ना। तो फायरी मतलब उस आदमी में एनर्जी है, जो एनर्जी हो जाए, बच्चा है उसमें एनर्जी होगी, तो बच्चे को आप बिठा नहीं सकते, बच्चे में एनर्जी ज्यादा होती है, एडल्ट से ज्यादा होती है, बुजुर्ग से भी ज्यादा होती है। इधर कूदेंगे, उधर कूदेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां भागते फिरेंगे, बेमतलब के भागते फिरेंगे, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है मूवेबल, मूवेबल मतलब वो भी खड़ा नहीं हो सकता, वो मूव करता रहेगा। उसके बाद सिंबल बना हुआ है, सिंबल किसका, भेड़ का है,
मेल भेड़, तो जो भेड़ होती है वो कभी आपको खड़ी नजर नहीं आएगी, इट विल गो ऑन मूविंग एंड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये समझने वाली बात है एडिशनल है कि हर जो राशि है वो कैसे बनी हुई है कि जो हम आकाश में देखते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ स्टार्स रिजेंबल टू समथिंग, दैट क्लस्टर ऑफ स्टार्स रिजेंबल टू मेल शीप। मेल शीप का जो स्वभाव है वही एरीज का स्वभाव होगा, वो लकीर का फकीर है, एक ही स्ट्रेट लाइन में सीधा समझता है, एक ही लाइन में चलता है, सीधा समझता है, सीधी बात समझता है, घुमाव फिराव नहीं समझता बात। तो आप मेरे से सीधा सवाल पूछोगे मैं सीधा जवाब दूंगा, अगर मैं एरीज हूं तो। अगर मैं एनर्जेटिक हूं तो 4 बजे क्लास शुरू होती है, 4 बजे क्लास शुरू होगी, 4 बजे नमस्ते बाद में होगी, पढ़ाई पहले शुरू होगी, एनर्जी तो धनाधन धनाधन, 2 घंटे ना चाय पीने दूंगा ना पानी ना ठंडा ना गर्म, धनाधन धनाधन बम्बारमेंट, धनाधन धनाधन एरीज की क्वालिटी है। फिर क्या है कि भेड़ का एक स्वभाव होता है लकीर का फकीर जैसे मैंने कहा, तो वो झुंड में चलती है, तो सबसे आगे वाली भेड़ के आगे अगर आप स्टिक लगा दोगे तो वो कूदेगी थोड़ी ऊंची, वो जंप करके स्टिक को पार कर देगी। अब आप स्टिक निकाल लोगे तो उसके पीछे वाली भेड़े भी कूदेंगी, क्यों कूद रही है पता नहीं। तो अपना दिमाग कम ही प्रयोग करते। फिर इसका जो लॉर्ड है वो क्या है, मार्स। मार्स फिर एनर्जी है, तो इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन सीधी बात सुनने वाले लोग होते हैं, गुस्सा नॉर्मली रहेगा, मार्स भी है। एक चीज हो रहा है इसके अंदर कि जो भेड़ होती है उसका ये थोड़ा टर्न होता है, तो दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की बड़ी आदत है। आप जब भी देखेंगे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उधर सरदार जरूर रुकेगा, पाजी की हो गया, पाजी की हो गया, सरदार जरूर रुकेगा, और कोई रुके ना रुके। तो अगर आपको याद हो 80s में एक सीरियल आया था नमायन, वो नमायन सागर जी ने उसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, उसमें जब हनुमान जी का किरदार आया मुसलमान बोलने लगे कि भाई हनुमान जी हमारे हैं, तो सरदार तो फटे में टांग अड़ाना ही अड़ाना है, बोलो थोड़े की मैंने सरदार तो हनुमान जी तो हमारे हैं। अब हिंदू बेचारे परेशान, भाई यार ये हनुमान जी मुसलमान और सिख कैसे हो गए, तो मामला कोर्ट में चला गया। तो जज ने बुलाया इसको मुसलमान को, भाई पहले आप बताइए ये मुसलमान कैसे है। वो तो बड़ा सिंपल है सर, देखिए रहमान सुलेमान मुसलमान हनुमान, तो जितने भी मान लगवाता है वो हनुमान हो या कोई भी मान हो वो मुसलमान ही होता है। बैठिए आप, हिंदू को बुलाया भाई आप बताइए, बोलते साहब तब तो कोई धर्म ही नहीं था, अभी इनको तो 1400 साल हुए मुस्लिम रिलीजन को, और सिख तो अभी हमारे में से ही निकले हुए हैं, तो मतलब ही नहीं बनता जी, ये पता नहीं जी क्या हमारे समझ से बाहर है ये है, अभी तो अच्छा क्रिश्चियन नहीं आए ठीक है, नहीं तो वो बोलते हैं हनुमान जी पहले यूं करेंगे फिर चलेगा, तो रामचंद्र नहीं करेंगे, तो बोलेंगे जीसस माता सीते जीसस। तो फिर सरदार बोला अभी सरदार जी आप आओ बताओ ये हनुमान जी सरदार कैसे थे, बोलते देखो जी जनानी कितनी थी राम दी, चुपके कौन लगे रावण, ए तू पूछ जाग लगाए क्यों को बरे, मुद्दा इसका मतलब ये सरदार। अभी तो बताया शांत कर जाएंगे शांत। तो एरीज में ये भी बड़ा इफेक्ट होता है कि एरीज जो है वो
दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का मतलब यहां पर यह भी है कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दोस्त के लिए जान दे देंगे। आपके दोस्त की लड़ाई होगी, वो लड़ पड़ेगा आगे, दोस्त अपने घर जाके चाय पी रहा है, वो लड़ाई में मस्त है। तो दे विल प्रूवन टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स, यू कैन रिलाई ऑन देम, एनर्जी ऑलरेडी इनमें है ही है। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरीज असेंडेंट पर्सन, एरीज असेंडेंट पर्सन। इसके बाद टॉरस है, लाइक मैंने आपको बताया कि एरीज का क्या है कि टीचर इज एरीज तो स्टूडेंट 4 बजे आए नहीं आए, जो टीचर जो है 4 बजे पढ़ाने के लिए खड़ा है, 4 बजे वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा, स्टूडेंट को सोने नहीं देगा, चार ठंडा पूछेगा नहीं, धना धन पढ़ाया जाएगा। टॉरस डिफरेंट हो गया, ये क्या हो गया, बैल। बैल नेचुरली आलसी होता, और इसमें भी क्या हो गया, ये फिक्स अर्दी एंड वीनस। वीनस क्या हो गया, लग्जूरियस। तो लग्जूरियस आदमी भी जो है वो आराम परस्त ज्यादा होगा। तो इफ आई वुड हैव बीन अ टीचर टॉरस, तो फिर हाँ जी आ गए हो सारे, अच्छा अभी कुछ चार्ज मंगाओ यार कुछ, है ना, करने हैं यार, करने हैं, बैठ बैठ यार बैठ, और की हाल चाल है सारा कुछ के, मतलब हाँ करने हैं यार, पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले 10 से फिर की रहे हैं, मतलब ये भी वेस्टिंग टाइम, ठीक है, बिकॉज ये आलसी है। ऐसे नहीं कि कोई वो आपका समय नष्ट करना चाहता है, खुद थोड़ा सा आलसी। लेकिन अर्दी में एक चीज होती है कि वो क्या हो गया, उसके अंदर वेट है। तो अगर आपकी बात हुई है कि साहब मेरे को ये से ये सिलेबस आपसे पढ़ना है, तो वो पढ़ाएगा क्यों, अगर उसने कह दिया यस, तो यस मीन्स यस, ये ठीक है कि थोड़ा आलसी है, 4 बजे क्लास 4:30 बजे शुरू होगी, हो सकता है 1.5 घंटे में खत्म हो जाए या घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन वो एक बार में खींच देगा। फिर जैसे ना बैल अगर खड़ा हुआ, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको खड़ा करना है, लेकिन फिर वो चल दिया तो चल दिया, और उसकी बाद में बजाए। तो इन लोगों के जो इन्होंने अगर वादा किया है तो वो निभाएंगे, देर सवेर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर और फिक्स। तो जिस बात में लट गाड़ दिया, तो ये मुनका वाला भी कुछ इसके अंदर करेक्टरिस्टिक आ रहा, गाड़ दिया तो गाड़ दिया, कति ना, तो वो मुनका का वो था जाट। तो चोर जो है वो चोरी करके जा रहा था, गांव वाले पीछे भाग रहे सारे, चोर चोर चोर, तो जाट ने पकड़ लिया चोर को, वो सामने से आ रहा था, उसने कहा क्या हो गया, बोलते ये चोर है, बोलता तू चोर है, बोलता जी गलती हो गई, चोरी किया, बोलता तुम कितने हो, बोलता हम 50 आदमी इसको पकड़ने आ रहे हैं, बोलता ये अकेला है, तो ये अकेले को मारोगे, तो मैं चोर के साथ। अब जो उसने जो गाड़ दिया लट तो गाड़ दिया, अब किधर गाड़ दिया ये नहीं पता। खैर ये टॉरस का नेचर नहीं है, मैं वैसे बता रहा था कि वो कहीं भी खड़ा हो गया और किसी भी बात पे अगर उसने स्टैंड ले लिया तो वो स्टैंड ले लिया, वो फिर स्टैंड पे खड़ा रहेगा, डिगेगा नहीं उससे, ठीक है। थर्ड हो गया जेमिनी, क्लेवर। व्हाई क्लेवर, ये मर्करी है, मर्करी इंटेलिजेंस। डुअल, द्वि स्वभावी, ठीक है। तो इनका जो स्वभाव है वो जो सामने है वो पीछे से नहीं रहने वाला, इनका काम निकल गया तो इनकी फितरत, इनका जो नेचर है वो आपके लिए, उनका स्वभाव आपके लिए बदल जाएगा। तो ये द्वि स्वभावी है, इंटेलिजेंट है, अपना काम निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं, ठीक है। अब जेमिनी भी जो साइन है वो है एक मेल और एक फीमेल फेस, है ना, तो ये किस तरफ भी मुंह मोड़ सकते हैं। एरी मतलब अपनी बात पे अडिग नहीं, एरी मतलब हवा, हवा में बातें, हवाई हवाई किले बनाना। जैसे आप पूछे भी मेरे से जी आप क्या पढ़ाएंगे, मैं क्या पढ़ाएंगे, मेरे से पूछते हो क्या पढ़ाओ, अरे जितने भी ज्योतिषी हिंदुस्तान में सारे मेरे ही, हमारे जो स्टूडेंट हैं ये दुनिया के एक एक कोने कोने में फैले हुए,
वो ऊंची ऊंची बातें हवाई के लिए बनाना, मेकिंग कैसल सीनियर, ठीक है। और जब अपना मतलब सिद्ध हो गया, फिर मतलब सिद्ध गया भाई फीस दे, फीस आ गई, उसके बाद आप ढूंढते रहो मेरे को भाई। आप मैडम बेंगलोर में हो, ये भाई साहब फरीदाबाद में है, ये गीतिका जी तो कह रहे हैं कि ये कौन है जो श्री देश शिप्रा जी यहाँ की वहां की, आप ढूंढते रहो, मैं दिल्ली में हूँ, ढूंढ लो, पैसे तो आ गए। दिस इज देयर नेचर, तो जर्मनी वाले की यही है, हवाई हवा में बातें करनी, और वो अपनी बात पे कभी भी टिकने वाला नहीं है, और ऊंची ऊंची बातें करने वाला आदमी, चलाक आदमी है। तो 12 के 12 साइन में सबसे चलाक यही है, ठीक है। तो इसका एक आपको जोक से रिलेट कर लोगे, तो मेरे जैसा टीचर का सर, जी बताइए सर, एक क्वेश्चन है, जहां तक मैंने पढ़ा और आई मे बी रॉन्ग, कि जो स्वभाव होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर मून साइन एज वेल एज लग्न राशि, तो ये करेक्ट चीज है? अगर है तो अगर हम लोग जो साइन अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरा वृषभ, मतलब आई एम टॉरस, तो आई नीड टू सी टॉरस एज वेल एज माय लग्न राशि आल्सो टू डिसाइड माय नेचर। हां मैडम, इसमें एक है सन साइन, जैसे हम एक सन साइन मून साइन, मैं जो पढ़ा रहा हूँ असेंडेंट साइन पढ़ा रहा हूँ, लग्न, लग्न में जो साइन है मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दो हो रहे हैं सन साइन, एक का नवांश साइन। अच्छा, ये असेंडेंट साइन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, यू आर जस्ट टू सी असेंडेंट, ठीक है ना। बट सो मेनी असेंडेंट्स इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, नवांश लगन, मून साइन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, ठीक है मैडम, और क्या होता है अरुद लगन, ठीक है, ऐसे करके 25 लगन है मैडम, ठीक है। तो मैं 1996 में गया बेंगलोर में, अब बेंगलोर में तो वहां पर एक बहुत बड़ा जोशी हुआ, उनका नाम है डॉक्टर बीबी रमन, नाम वो एड्रेस भूल गया, ओल्ड उसमें रहते हैं, ओल्ड बेंगलोर में, अब तो वो चले गए, 20 दिसंबर में डेथ हुई उनकी। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो मुझे भी बुलाया था, तो यहाँ दिल्ली से गए थे एक सज्जन, तो वे बोले जी एक आदमी के 25 लगन होते हैं, तो यहाँ पर हैं जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए, एक आदमी के 25 लगन हो गए हैं, और रामन जी के चरणों में आया हूँ तो मुझको पता चला 26 लगन हो गए। तो भाई 26वां लगन कौन है, सारे पूछने लगे सियाने जोशी बड़े वाले, तो बोले 26 लगन ऐसे हैं कि भाई जिस, जैसे आप जन्मपत्री बनाएंगे तो आप देखते हो कभी कभी ये होता है कि जन्मपत्री में 4 या 3 या 5 या 6 प्लैनेट भी एक साइन या एक हाउस में होते हैं, तो बोलते हैं उसको भी लगन बना दो। तो मैडम 12 साइन है, कितने लगन बनाएंगे हम, सो वी विल गेट कंफ्यूज आवरसेल्फ कि भाई 26 लगन बना दिए भाई, तो मैं क्या बताऊं आपका नेचर क्या, तो मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया। जैसे आपने कहा 2 है, मैं स्कॉर्पियो भी हूं और मैं टॉरस भी हूं, तो हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका नेचर कैसा होगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो एक ही लेके चलेंगे, तो किताबें जितनी भी हैं उनको नॉर्मली ये है कि उसके कवर को छोड़ देना, पेज फाड़ना, समोसा रखना और हरी चटनी के साथ खाना है, लाल चटनी के साथ गला खराब हो जाता है, तो हरी चटनी के साथ खाना है। ये कुछ भी लिखते हैं मैडम, ये क्या है कि कट कॉपी पेस्ट किताबें, दिमाग नहीं लड़ाता जोशी। आजकल क्या है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन गूगल, गूगल में जो चीज अवेलेबल है वो मैंने लिखी है या किसी इंडिविजुअल ने लिखी है और वहां पर है। अब आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है ना। आप उसमें लिखोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें लिखा होगा व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड इन ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी जगह लिखा होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों ने लिख दिया, ठीक ही बोल गया ना। हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिमूव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
हाइड्रोजन इज एडेड देन इट इज अ रिडक्शन ज्यादा हो गया, तीन है। अब ये तीन में से कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है तो आपको दिमाग लगाना। तो यू विल गेट सो मेनी बुक्स, एवरी बुक विल बी टॉकिंग डिफरेंटली, और आप कब दिमाग लगाए कहाँ दिखाए उसके लिए एक आदमी आपके सामने बैठा उमंग करेगा। डायमंड ज्वेल जीपीसी मेडिकल लिमिटेड, विकासपुरी, एम ब्लॉक, डीडीए मार्केट, नई दिल्ली, नियर यूके नर्सिंग। तो मैं ही बता पाऊंगा, मतलब लाइक यू क्वेश्चन यू हैव, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। जितनी किताबें आप पढ़ोगे उतनी हाफ कुक चीज मिलेगी, यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा करे कौन सा ना करे। तो जो मैं बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस प्लीज। आप क्वेश्चन जरूर पूछे, अगर मेरे से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, ठीक है ना। प्लीज आस्क क्वेश्चन, ठीक है, वो मत जाएंगे इधर तो घबरा जाएंगे आप, तो परेशानी होगी, है ना। तो ये जर्मनी हो गया, वो जो है हवा में बात है, वो सच्ची जो इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। तो पैसा उसका काम निकल गया तो फिर वो पहचानेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे जैसे भी टीचर था जर्मनी असेंडेंट वाला, तो चंडीगढ़ पढ़ाता था, तो फिर वहां से ट्रांसफर हो गई दिल्ली। तो 15-16 साल दिल्ली पढ़ाया, वापस फिर चंडीगढ़ ट्रांसफर हुई। तो उसने कपड़े पड़वे अपने रखे, सामान समून अपना रखा, तो सोचा कि भाई अब चंडीगढ़ रहना है तो कुछ पहले तो डेली नीड्स का सामान लिया। तो उसने कहा पहले जूते पॉलिश करा लेता हूँ, फिर सब्जी भाजी तरकारी तो सब ले आऊ। तो उसने क्या किया, वो मार्केट गया, मोची के पास गया, उन्होंने जूते साफ कर दे, उन्होंने जूते साफ कर दिए, बोले हाँ भाई कितने पैसे हुए, वो तो मास्टर जी पहचाना नहीं आपने मुझको, मैं आपका स्टूडेंट पीछे बैठता था, आपने पढ़ाया तो मैं आज ये मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता। तो मास्टर जी बड़े खुश होते हैं, अभी देखो स्टूडेंट पहचानते हैं। तो बोले यार तुम तो छोटे छोटे थे भाई, मैं तो तुमको नहीं पहचान पाया, तुमने पहचान लिया। बहुत बड़ी चीज होती है अभी स्टूडेंट टीचर को मिल रहा हो 15-20 साल के बाद, इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है, और मोची बन गया तो फिर तो फिर वो आगे जाता है सब्जी वाले के पास, बोलता है अभी आधा किलो भिंडी पा दे, भाई पूरी पा दे, घिया पा दे, बोलता है अभी कितने पैसे हो, बोलते मास्टर जी चाड़ा नहीं, मैं वो लपू यार वो मोची बन गया, मैं सब्जी का अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सब आपकी वजह से मास्टर जी, आपने ना पढ़ाया होता तो हम इतना बड़ा बिजनेस ना कर रहे होते। फिर आगे जाता है नाई के पास, बाल कटवाता है, शेव कराता है, वो भी पैसे नहीं लेता, वो भी उसका स्टूडेंट निकलता है। आखिरी में वो जाता है कसाई के पास, ठीक है, वो बोलता भाई आधा किलो भी चिकन तोड़ ले, बोलता अभी है नहीं आप बाद में आइएगा। इतने में दूसरा आता है, बोलता तो किलो चिकन, वो उसको दे देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे को दिया नहीं इसको दे दिया, बोलता भाई तुमने मेरे को दिया नहीं उसको दे दिया, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल, तुम क्या समझते हो हम पैसे नहीं देंगे, हम यहाँ के मास्टर हैं, तुम्हारे पढ़ाए बच्चे ऊंची ऊंची पोस्टों पे लगे हुए, तुम्हें आधा किलो चिकन नहीं देंगे आप हमें। अब जब आदमी अभी इतनी रिस्पेक्ट के साथ निकला और एकदम से उसके साथ ये हो जाए, दिल पर लगती है ना, तो बोलता आप हमें चिकन दीजिए हम पेमेंट करेंगे आपको, बोलता मास्टर जी मैं अभी आपका स्टूडेंट हूँ, बोलता फिर चिकन क्यों नहीं देता भाई पैसे देंगे, बोलता मास्टर जी हार्ड चिकन है उसको तो मैंने दे दिया आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये आप इसको गर्म करोगे ना गलेगा नहीं, बोलता अल्लाह ये जिंदगियां गाल देती हैं, हम अंधा किलो चिकन नहीं गाल सकते हम। तो जर्मनी वाला ऐसा ही है, वो जिंदगियां ही गालेगा, वो जिंदगियां ही गालेगा, उसने आपने पैसा दे दिया उसके बाद आपको कुछ नहीं लगना, हवा में बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। अब सबसे जो सेंटिमेंटल है वो है कैंसर, आउट ऑफ 12 साइंस कुछ लोग बड़े जल्दी सेंटिमेंटल होते हैं। सेंटिमेंटल का मतलब होता है कि जैसे विकास भैया है पहले, सबसे पहले फिर आप है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बाद में है, तो मैंने विकास भाई को कहा कि भाई आज पानी वानी कुछ लेंगे, अगर नहीं फिर बाद में आप आए, मैंने कहा भाई कुछ पानी लेंगे, बोले नहीं, मैं कहा नहीं नहीं यार कुछ लो यार, कहा भाई चाय मंगा, हाँ भाई आलम चाय ले आ भाई,
तो विकास भाई अगर सेंटिमेंटल है तो वो वही फट पड़ेंगे कि भाई इनको तो तुम जबरदस्ती बुला रहे हो, हम कनाडा से आए हैं, वो हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वही आंसू बहाना शुरू कर देगा। तो दैट इज गॉट सेंटिमेंटल। ये कैंसर इज मोस्ट सेंटिमेंटल ऑल द 12 साइन, इट इज द मोस्ट सेंटिमेंटल। हाँ जी शिप्रा जी, ये ठीक लिखे हैं स्पेलिंग? सर आपने लिखे ठीक ही होंगे। नहीं भाई मेरे को जरा गलती लग रही है शायद। रूपाली जी ठीक है? नहीं सर सही है। रूपाली जी से पूछ रहा हूँ, रूपाली जी सही है? अरे ऐसे देखते हैं उसका मतलब तो सही निकल रहा है। हाँ मतलब सही है। देखा सेंटीमेंटल का मतलब सेंट का मतलब है 100 बार मेंटल, 100% मेंटल। हंड्रेड बार ठीक है। तो ये सेंटीमेंटल होता है। कैसे सेंटीमेंटल है और क्यों है? कैंसर, कैंसर जो है वाटर के पास है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों होता है कि इस पे केकड़े बहुत मिलते हैं, इसलिए उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसका दिमाग नहीं होता, इसमें धड़ है। आप देखो केकड़े में क्या होता है, धड़। दिमाग पता नहीं चलेगा आपको, सिर्फ आंखें और वो है क्या नाम है बात, वो टांगे। तो दिमाग प्रयोग नहीं है, दिल ही दिल है, दिमाग नहीं है, पानी के पास ही मिलता। मूवेबल है, लेकिन इसकी मूवमेंट और जो एरीज की मूवमेंट है इसमें फर्क है। केकड़ा अगर उसकी आप मूवमेंट को देखोगे, इट गोज इन टू वाटर एंड देन कम्स आउट ऑफ द वाटर, देन इट विल गो इन टू द वाटर अगेन, इट विल कम आउट ऑफ द वाटर। टू एंड फ्रो है, मोशन इज टू एंड फ्रो, जैसे पिस्टन का होता है ना ऐसे ऐसे वाला। तो इसका यह भेड़ का कैसे सीधा सीधा, इसका टू एंड फ्रो मोशन है, और इसका सिंबल भी जो है क्लॉ है। तो जरा सा आप छोड़ोगे यूं घबरा जाता है, यूं करके घबरा जाए, और फिर जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। ठीक है, मून फिर ये वो फीमेल प्लेनेट हो गया, ठीक है ना, मम्मी होगी, तो मम्मी को तो आंसू लगे ही रहते हैं। मेरे पुत्र नु हो गया, मेरे पुत्र नु चोट लगी, आंसू हमेशा जो है आंखों में होते। बच्चे नु कुछ हो जाए, मेरे पुत्र नु कुछ हो ना जाए, ठीक है, वेरी प्रोटेक्टिव। तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल लोग होंगे, क्यों? केकड़ा पहले ही पानी के अंदर है, फिर वाटर ही है, फिर मून है, ठीक है, सब कुछ वाटर ही वाटर है, सब कुछ इमोशंस ही इमोशंस है, नथिंग मोर देन इमोशंस। तो ये जो है इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो आप कभी भी, तो इनसे काम निकालना है तो दो आंसू टपका दो, ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। ये ठीक है ना, एरीज को सीधी बात आपने करनी है, भैया ये भैया काम करना है, भैया परेशानी में हूँ, भैया काम कर दीजिए भैया प्लीज, वो कर देगा बस। इससे जो ज्यादा चिकन चुपड़ नहीं चाहिए होती, और वो तो करेगा ही नहीं जो टॉरस है, उसको बड़ी देर कहना पड़ेगा प्लीज कर दे प्लीज कर दे प्लीज कर दे, कर देगा अगर कह दिया तो। जेमिनी को कहना बेवकूफी है, वो तो अपना काम ही सिद्ध करेगा, है ना। इसके बाद है लियो। अब देखो कि ये मूवेबल और इस मूवेबल में फर्क है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या हो गया, जैसा मैंने बताया था कि ये भाई साहब पहले आए आप बाद में आए, तो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया मेरे में ऐसा क्या नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको तो ज्यादा तरजीह या अटेंशन दे रहा हूं कि मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं मिली। तो ये चीज उनके दिमाग में घूमती रहेगी, मेरे में ऐसा क्या नहीं है, इसमें ऐसा क्या है, मेरे में ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या नहीं है। तो वो विचार जो है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो बहुत नेगेटिव, पॉजिटिव तो बहुत पॉजिटिव, वो घूमते रहते हैं, उससे दिमाग थक जाता है। तो दे बस्ट इनटू टीयर्स बिकॉज़ ऑफ इट। इसके बाद लियो है। अब लियो जो हो गया ये फिर फायरिंग आ गया सर, रिपीट। अब इस फायर में और इस फायर में क्या फर्क होगा, ये फिक्स है, एरीज मूवेबल है, लियो फिक्स है। ये क्यों होगा राजा? अब राजा तो वहीं बैठेगा, राजा जो है वो आग उगलेगा,
बैठे बैठे। प्रिंसिपल का एक ही ऑफिस होता है, प्रिंसिपल वहीं बैठता है, कभी कभी राउंड में निकलता है। टीचर का यहाँ पीरियड है, फिर वहां पीरियड है, फिर वहां पीरियड है ना। तो जो लॉयन है उसकी एक ही जगह होगी, एक ही गुफा होगी, वहीं बैठेगा और वो खुद नहीं शिकार करता, शेर नहीं अगर कुछ का। राजा साहब तो बैठते हैं ऐश करते हैं, बैठे हैं तो बैठे, ठीक है ना। और वो रोज एनर्जी नहीं निकालते रहते, ये हमेशा एनर्जी निकालते रहते हैं एरीज। ये बैठेगा, जरूरत होगी तो धाड़ेगा, नहीं तो नहीं। इसमें एनर्जी है वो स्टोर करेगा एनर्जी, जरूरत पड़ेगी तो धाड़ेगा, नहीं तो रोज ही अगर आप दहाड़ोगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप रोज बच्चे को ऑफिस जाते एक चपेड़ मार के जाओगे, डजंट मेक एनी सेंस। आप 5-6 साल में बच्चे को ऐसे घूर के देख लोगे, उसका जो असर होगा वो रोज चपेड़ का नहीं हो सकता। ठीक है, आज पापा ने मेरे को ऐसे नाराजगी से देख दिया, तो बच्चे के दिल पे लग जाएगी ये क्या हो गया। ठीक। और जो लॉयन का जो नेचर भी है वो यही है, वो हिरन जो आसपास घूमते रहते हैं उनको खाता पीता नहीं है कुछ खास, जब भूख लगती है तभी पकड़ता और देखता रहता है कोई कौन सा हिरन है जो जल्दी काबू में आएगा तभी शिकार करता है। नॉर्मली वो शिकार कम ही करता है, शेरनिया करती है, बट वो पहले जज करती है या करता है कि कौन सा हिरन जो है जल्दी पकड़ में आएगा। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि वो पानी वाली जगह पे जाके बैठ जाएगी। तो जब भैंस गाय या कोई भी पशु है जब भरपेट पानी पी लेता है तो फिर उससे भागा नहीं जाता। तो दीज पीपल हैव दीज नॉलेज, भैंस को पानी अगर नहीं पिया तो नहीं पकड़ना, पानी पी लिया तो पकड़ना, या पशु ने पानी पी लिया तो पकड़ना, या जो लंगड़ा रहा है उसको पकड़ना, जो स्लो है उसको पकड़ना, सो दैट लेस एनर्जी इज वेस्टेड, ये एनर्जी को कंजर्व कर। So, this will be a better person for administration and governance. Aries will not be good person for governance. क्योंकि उसको तो हमेशा ही कुछ ना कुछ करना है, तो उसको तो लोअर मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट में रख सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट में लियो इज द बेस्ट। तो अगर हमें बॉम्बे जाना है तो एरीज को बोलो बॉम्बे चलना है, बोला चलो ऑटो चलो भाई बॉम्बे ले चलो, बोला भाई साहब दिल्ली है कैसे, एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है, वैसे तो प्लानिंग नहीं कर पाए एरीज। लियो विल गिव विल डू बेटर प्लानिंग, कैसे जाना है, टिकटें कौन सी है, किस समय पहुंचेंगे, होटल रूम इज देयर, कितने दिन रहना, कितना पैसा ले जाया जा सकता। खैर अब तो वो चीजें खत्म होगी, एवरीथिंग इज नॉन प्लास्टिक मनी, बट इट विल बी टोटली अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। इसके बाद है 7, 6 छोड़ रहा हूँ, 6 को बाद में बताऊंगा। ये हो गया लिब्रा, अर्धी वर्गो इज अर्धी, लिब्रा इज एरी। मूवेबल ठीक है। अब लिब्रा को अगर आप देखोगे तो टॉरस के साथ वो रिलेटेड इसलिए कर सकते हैं कि बोथ आर वीनस, लेकिन ये टॉरस से बिल्कुल उल्टा, उल्टा कैसे है, ये अर्धी है ये एरी है, जितने इसकी बाद में वजन है उतना इसकी बाद में वजन नहीं, ये फिक्स है ये मूवेबल है। तो ये बिल्कुल ही लिब्रा का अंदर साइन होता है बैलेंस, बैलेंस हिला हुआ है, ठीक है ना। जितनी भी किताबें है ना रूपाली जी आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लिब्रा असेंडेंट पर्सन आर बैलेंस्ड पीपल, लेकिन जो लिब्रा आप देखोगे इट इज अनबैलेंस्ड पीपल। तो ज्यादातर जो पागल होंगे पागल खाने में वो लिब्रा होंगे, बाकी बचे खुचे जो हुए वो कैंसर हो। सर वन मोर क्वेश्चन, सॉरी ऑन द सेम लाइन, जब भी कोई बोलता है ना कि जैसे कि उसकी रास वृषभ है
या तो उसकी राश कर गए, तो अब तक मतलब आज की क्लास तक मैं ये सोच रही थी अगर किसी ने बोला कि उसकी राशि मतलब मून राशि ऑब्वियसली कैंसर है तो वो बहुत सेंसिटिव या तो आपने जैसे बोला ना सेंटीमेंटल टाइप का रहेगा, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू. यू आर सेइंग वी शुड सी द एसेंडेंट एंड नॉट जज द पर्सन बाय मून साइन. यस, तो भारतीय ज्योतिष में इन जनरल वैसे राशि की बात होती है तो वो चंद्र राशि है, मतलब अगर ना आपकी राशि क्या है तो इसका मतलब इट इज ऑब्वियस कि वो पूछ रहा है कि चंद्रमा कौन सी राशि में. बट ये सीरियस स्टडी है एस्ट्रोलॉजी की जो मैं करा रहा हूँ आपको. अभी जो मैं ये करा रहा हूँ इट इज टू बेसिक. हम इसका जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 1% यूज करने वाले हैं, इससे अभी यूज करने वाले बहुत ही बेसिक है. तो वो जो यूज कर रहे हैं वो इससे भी 100 का है वो यूज कर रहे हैं, और वो भी उनको नहीं पता कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना. और आप खुद ही कह रहे हो जैसे भी चंद्र राशि भी चेक कर लो, लगन भी रेस्ट कर लो. मैं 5-7 और पढ़ा देता हूँ आपको, ये भी कर लो वो भी कर लो. आप बोलोगे आप बहुत पढ़ने को दिया सकते नहीं पढ़ना ज्यादा, नहीं पढ़ना ज्यादा भाई, मतलब की बात पढ़नी है. पढ़ना गलत नहीं है कि जब इतना कुछ लिखा है पुराना हमारा ये सब्जेक्ट है इसमें लोगों ने काम किया है तो वो उन्होंने गलत काम नहीं किया. इट हैज इवॉल्व विद टाइम. इवॉल्व विद टाइम का मतलब क्या हो गया कि विल्बर राइट ने एक हवाई जहाज बनाया जो 1905 में उड़ा. विल्बर राइट जब उसको उड़ाने लगा तो उसको बेचारे को पता नहीं था ये उड़ेगा और उड़ के नीचे ये लैंड करेगा, मैं जिंदा ही बचूंगा नहीं बचूंगा. करेक्ट और इनकरेक्ट. आज अगर आप अमेरिका की फ्लाइट लेते यहाँ से तो आपको कितनी श्योरिटी होती है कि मैं पहुंचूंगा 100%. नहीं तो आदमी क्यों उड़ेगा, पागल कुत्ते ने काटा है. अगर किसकी 1% चांस है ये गिर जाएगा कोई नहीं उड़ेगा भाई. अगर डेली एक फ्लाइट गिरने लग जाएगी दुनिया में कितनी फ्लाइट उड़ती होगी, लाखों फ्लाइट उड़ती होगी. साल में कोई एक आधी गिरती होती है, गिर गई तो गिर गई. तो दी सक्सेस रेट इज सो हाई, इट इज बेटर देन ड्राइविंग अ साइकिल. मच बेटर देन, मच मच बेटर देन. और आप तो उसके ऊपर अगर भरोसा ही खत्म हो जाएगा तो क्या. तो वी हैव इवॉल्व्ड विद टाइम. जो है बर्नौलिस थ्योरम पे वो एक्ट करता है. इससे पहले हवाई जहाज कैसे उड़ते थे, गुब्बारा उड़ता था. गुब्बारे से पहले क्या उड़ते थे, कुछ उड़ता नहीं था खास, वो उड़ता नहीं था. और पीपल ट्राइड मैनी वेज. गुब्बारे से पहले उन्होंने कुछ लोगों ने कि पहाड़ पे चढ़ गए और ऐसे पंख बना लिए, ऐसे ऐसे करने शुरू कर दिया, नीचे गिरा हड्डियां टूट गई, काम खत्म हो गया. लियोनार्डो दा विंची लोगों जानते हैं कि ही वाज अ पेंटर, ही वाज आल्सो एन इंजीनियर. तो उसने सोचा था हाउ टू मेक ए हेलीकॉप्टर. तो ही डिजाइन इन हिज ओन वे, प्रोटोटाइप उसने तैयार किया लेकिन वो चला नहीं. ठीक है, अब एक मिनट. अब अगर हम उसी हेलीकॉप्टर पे उड़ने की कोशिश करें, ठीक है, जो अंकल कौन से अंकल, लियोनार्डो दा विंची. लियोनार्डो दा विंची अंकल जो हेलीकॉप्टर उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया था और हम कोशिश करेंगे भी उसी पे उड़ना है हमको, या कनाडा जाना है तो हवाई वो हेलीकॉप्टर पे उड़ना है या हवाई जहाज की बजाय हमें गुब्बारे पे उड़ना है. तो ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, अकलमंदी वाली बात तो है नहीं. तो ये क्या करते हैं कि जो पीछे लोगों ने काम किया हुआ है ये उसी पे चले जाएंगे, वही पीछे चले जाएंगे. ट्रेन में चलना है तो हमने स्टीम इंजन पे ही चलेंगे. तो खत्म हो गया स्टीम इंजन भाई, अब दुनिया कहां की कहां निकल आई मेरे भाई. तो अब वो जो पिछला अगर हमको कोई वो मिलता है, क्या नाम है, मेथड मिलता है, तो मेथड इज, हम नहीं कह रहे कि मेथड जो है वो भाई उन्होंने जो काम किया गलत है. आजकल के परिदृश्य में वो बेकार हो गया. तो क्यों बेकार हो गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई. अब
उस समय के हिसाब से हो सकता है वो ठीक हो, आज वो ठीक नहीं है, उतनी एक्यूरेट नहीं है, दुनिया कहां की कहां निकल गई, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना काम किया, धीरे धीरे हम इस लेवल पे पहुंचे। विल्बर राइट को दिखाएं, अगर हम जेट इंजन आ गया, उसने तो 4-स्ट्रोक इंजन यूज किया पेट्रोल का, आईसी इंजन, जेट इंजन आ गया, वो खुद हैरान हो जाएगा कि मेरी जो मशीन थी उनको इन्होंने कितना बेटर कर दिया। और अगर वो एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ गया तो उसको कितना अच्छा लगेगा, अपनी मासियां भुआएं उसके अंदर आए, नमस्ते करती हैं, डांटती भी हैं, ठंडा पानी नहीं पिएगा तू, गला खराब हो जाएगा, बैठ जाए सीट पे, अपनी मासी अपनी बुआएं। जेट एयरवेज वाली तो इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब 18-20 सारी लड़कियां होती हैं, आर्टिफिशियल सी स्माइल देंगी, अपनी एयर इंडिया की कैसी अपनी मासी बुआएं जैसे लगती, घर वाली फीलिंग, तो उसको कैसा लगेगा, हाउ ही विल फील, ठीक है ना। आप ये सोचो, तो जो वक्त है उसके साथ हमें अपने आप को इवॉल्व करना है और आगे निकलना है। अब हमारे बच्चे को डांटू बेटा मोबाइल ले लेगा तो नहीं चलेगा, चले। बच्चा पैदा होता है 6 महीने का होता है वो मोबाइल खाना शुरू करता है, 3 महीने का होता है मोबाइल खा रहा होता है। अब जो ये हो गया, ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रेन इज एयरी एंड मूवेबल, ये ब्रेन फर्स्ट ब्रेन का ही है। तो ब्रेन जो है वो जो कह रहा मैं, दिमाग का जो बैलेंस है वो आउट है, दिमाग का बैलेंस है आउट है। तो नेहरू जी थे वो ये आगरे का पागलखाना उन्होंने बनवाया था, तो ये पागलखाना देखने गए एक बार, तो एक पागल ना बार बार छेड़े जा गया नेहरू जी को, तो बड़ा गुस्सा आया। नेहरू जी को बोलते तेरे को पता है मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। बोलता जी मैं जब पहले दिन आया था ना मैं अपने आप को राष्ट्रपति समझता था, तो आप भी ठीक हो जाओगे कुछ दिन रहो तुम्हारे यहाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो, अब हम स्कॉर्पियो में आते हैं। स्कॉर्पियो जो हो गया उसका जो लॉर्ड ऑफ मार्स है, तो एरीज का भी मार्स हो गया, स्कॉर्पियो का भी मार्स हो गया, तो ये एरी की जगह ये है वॉटरी। तो वॉटरी जो हो गया वो हो गया सेंटीमेंटल, तो एक कैंसर भी सेंटीमेंटल है, स्कॉर्पियो भी सेंटीमेंटल है, लेकिन मार्स होने की वजह से ये इट कैन हिट बैक, मून वाला वोंट हिट बैक, इट विल कोलैप्स देयर ओनली, वहीं रो पड़ेगा। इट कैन हिट बैक क्योंकि मार्स से लड़ेगा, लेकिन एरीज जो है अभी लड़ेगा क्योंकि वो ऐसा है बेड़ा, वो तभी सीधा ही लड़ता है, वो बोलते ना बेड़ बिल्कुल सीधी सीधी लड़ती है। ये क्या है, फिक्स है, मोबाइल के बाद फिक्स है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है ये है एम करके, इसकी ये पीठ पे चुरा घोपेगा, अगर इसके बाद दिल पे लग गई तो ये फिक्स कर लेगा जहर को, बीच दिल में रख लेगा, अप्रोप्रिएट टाइम आने पे छुरा घोपेगा, सामने से कभी नहीं पीछे से घोपेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कौन मार गया। और जो बिच्छू होता है जब डंक मारता है तो उसका डंक पूंछ में होता है, सामने नहीं होता, पूंछ में होता है, और डंक मारने के बाद ये डांस करता है, ये उसका नेचर, तो इसको खुशी मिलती है बदला लेने की, ये बदला की बदले की भावना रहती है, ठीक है। लेकिन तभी बदले की भावना आएगी जब सेंटिमेंट्स हर्ट हो। और जो पॉजिटिव चीज यह है कि ये दे आर रिसर्चर्स, स्कॉर्पियो जो है जमीन के अंदर रहता है, तो जमीन के नीचे क्या मिलेगा आपको, आर्कियोलॉजी, हिडन साइंस मिलेगी ना, तो ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लोग, वेरी इंटेलिजेंट। नौवा हो गया सजिटेरियस,
ये देखो तीसरा फायरी है, तो तीन फायरी होंगे, तीन वाटरी होंगे, तीन अर्धी होंगे, तीन एरी होंगे। तो पहला फायरी क्या है? सीधा। दूसरा जो फायरी है वो लियो, वो खड़ा रहेगा तो फिर धाड़ेगा, ठीक है ना, एक ही बार धाड़ पड़ेगा। ये जो फायरी है ये क्या हो गया, आगे से आदमी है तीर कमान लेके, पीछे से घोड़ा है। सो दे आर ऑल्सो वेरी क्विक लाइक एरीज, फास्ट एज हॉर्स एंड एक्यूरेट एज एरो। तो ये एनर्जी को बेमतलब खराब नहीं करते, तैयार हमेशा रहते हैं और जरूरत पड़ेगी सीधा तीर निशाने पर लगेगा, और तभी छोड़ेंगे जब जरूरत होगी। तो रात को 2 बजे भी जरूरत है तो ये रेडी है काम करने के लिए, लेकिन जरूरत होगी तो चलेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं चलेंगे। वहीं जाएंगे जहां पर काम होता होगा, बेमतलब भागते नहीं फिरते जैसे एरीज, ठीक है। और जुपिटर की वजह से विजडम, मार्स की वजह से रैशनेस है, तो एरीज में रैशनेस होगी, इसमें विजडम होगी बिकॉज इट इज जुपिटर, ठीक है। इसके बाद ये होगी कैप्रिकॉर्न, अपनी एनर्जी को बेमतलब वेट करेंगे कहां पर हमने इसको प्रयोग करना है कहां पर नहीं करना है, किसी भी टाइम कर सकते हो क्योंकि ये हमेशा तैयार है रेडी फॉर। विजडम होने की वजह से ये जहां पर एनर्जी लगती है वहीं लगाएंगे, और डुअल कैरेक्टर है, प्रोज एंड कॉन्स सोच के लगाएंगे, ऐसे नहीं। एरीज क्या है कि हमेशा डिसिपेट करता रहेगा। विजडम है, विजडम का मतलब हो गया, विजडम का मतलब इंटेलिजेंस, विजडम में क्या पड़ता है, विजडम का मतलब टू यूज योर नॉलेज, आगे की सोचना नहीं, आगे की सोचना नहीं, मैंने अपनी आगे की सोच के चलना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, करेक्ट सर, दूरदर्शी हो गए ना, मतलब दर्शी, ठीक है, लेकिन करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हाँ दूरदर्शी, आगे का तो फ्यूचर सोचना ही पड़ेगा ना, इसका असर क्या पड़ेगा, दैट इज करेक्ट, बट बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दे आर वेरी, अपनी नॉलेज को बड़ी ढंग से यूज करेंगे कि इसका असर क्या होने वाला है, जो आप बोल रहे हो वो तो ठीक बात है, ठीक है। अर्धी, अर्धी के बाद सर दे आर ऑल्सो गुड रिसर्चर, रिसर्च वर्क जुपिटर की वजह से तो ठीक है, बट रिसर्च वर्क के लिए स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस अभी आएगा, ये बेटर है कंपैरेटिवली। ये जो हो जाएगा 5, ये एडमिन हो जाएगा, ये 10 जो है ये एडमिन है, गवर्नमेंट में बेस्ट हो, बाकी काम कोई नहीं कर सकता, बेस्ट हो, इसका रीजन अभी आ जाएगा। अब सेचन का मतलब हो गया हार्ड वर्कर, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस ये दोनों सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर, क्योंकि दोनों के जो रूलर है वो जो है वो सेचर है। कैप्रिकॉन क्या हो गया, वो हो गया मगरमच्छ या घड़ियाल, तो घड़ियाली आंसू का क्या मतलब होता है, फॉल्स टीयर्स, नकली आंसू, तो घड़ियाल, घड़ियाल नकली आंसू क्यों आता है सर, उसको अटैक करने से पहले उसको पता ही नहीं चलता, इतना स्लो मूवमेंट देता है कि वो एक दूसरे अटैक करता है, नजदीक आके मारता है, क्रोकोडाइल ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सासे बड़ी बड़ी सारी वो ना बहुएं होते हैं, बहुएं बहुएं कहां बैठती है, सत्संग में पीछे बैठती है, सासों की बुराइयां करती है, दूसरी तरफ बैठी होती है, वो लोगों की बुराइयां करती है, वो बहुओं की ना किटी पार्टी होती है इस बार, ठीक है। तो वो कहती है इस बार किटी पार्टी ना मसूरी में करेंगे, और दिल्ली के पास मसूरी है, चंडीगढ़ हो गया तो शिमला हो गया मसूरी है, तो वो सत्संग में सासों को बदल जाता है,
किसी एक सांस में सारी सांसों में मार, तो बोलते हम भी चलेंगी, हम भी दूसरी भी चलेंगे, बोगों को नहीं बताएंगे कि हम भी चल देंगे। तो वो सुबह जब बोगे अपना तैयार थी रुके बस आती है चली जाती है, सास को बताती है सासे बस करके ये चल पड़ती है। और जब पहाड़ी आती है शुरू देहरादून के बाद पहाड़ आता है तो वो सासे कहती है तू ना बोगों की बस के आगे निकाल ड्राइवर को, तो ड्राइवर कहता है भी अगर मैं ऐसे आगे निकालूंगा तो खाई है उसमें बस गिर जाएगी टक्कर ना हो जाए, बोलता नहीं तू निकाल हम कह रही है तू निकाल तेरे को पैसे देंगे ज्यादा तू चल। अब वो जैसे निकालने लगता है तो वो सास की बस जो है वो टकरा जाती है नीचे गिर जाती है, सारी बहुएं रोने लग जाती है बैठ के नीचे, हाय मेरी सास हाय मेरी सास, एक बड़ी जोर जोर की रोती है हाय मेरी सास हाय मेरी सास हाय मेरी सास, बोलते तू इतनी जोर जोर के क्यों रो रही है, बोलते मेरी पीछे रह गई। तो जो कैप्रिकॉन है वो फॉल्स जो है वो टीयर्स दिखाते हैं, जो सास है नहीं सॉरी जो मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं एक्चुअली वो उसके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है उसके स्वेट ग्लैंड नहीं होते, उसके स्वेट ग्लैंड यहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो मगरमच्छ वाली जो स्टोरी होती है ना बंदर वाली मगरमच्छ वाली वो तो पढ़ी है तुम, हाँ रिवर क्रॉस क्यों करता है बंदर याद नहीं है, तो पढ़ाई नहीं करती ना तेरे को स्टोरी का पता ना तू पिक्चर देखती है, तूने जिंदगी में किया गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जो बंदर होता है वो जामुन के पेड़ पे रहता है, तो वो घड़ियाल को भी या मगरमच्छ को भी जो जामुन खिलाता होता है, तो एक दिन जो मगरमच्छ है वो जामुन जो है वो अपनी वाइफ के लिए ले जाता है, तो वो वाइफ उसको जिद करती है कि भाई कलेजा इसका खाना मेरे को, तो वो उसको बहाने से ले जाता है। तो जब रिवर के मिडल में आ जाता है बंदर उसके पीठ पे बिठा के ले जाता है उसको, तो उसको बोलता है कि आज तेरे को मार दिया जाएगा कि मेरी वाइफ जो है वो तेरे को खाएगी, और वाइफ के तो आगे तो फिर दोस्ती तोड़नी पड़ती है आपको बताइए। तो बंदर इंटेलिजेंट होता है तो बंदर कहता है कि भाई वो जो वो मेरा कलेजा खाना चाहती है कलेजा पेड़ पे पड़ा, तो वो वापस वो पेड़ पे चाहते हैं तो वो बंदर कूद के निकल जाता है। तो वो कहते हैं मगरमच्छ फिर नीचे बैठ के रो रहा होता है, तो स्टोरी है। तो वो फॉल्स टीयर्स दिखा रहा है कि भाई तू आ चल मेरे साथ, तो ये इनकी आदत है, ये जो कैप्रिकॉन वालों की आदत है मगरमच्छी घड़ियाली आंसू माने कि मैं ही करनी है भैन जी, अजकल तो नुआ कुछ कर दिया नहीं है, सवेरे देखो जी बच्चे भी मैं भेजने हैं स्कूल छड़ के आने, मैं खड़ी होके जानी हाँ नू राणिया तो उठदिया ने सवेरे ऐदिया, मैं ते कपड़े भी खुद अपने हाथा नाल मैं की धोया तो मैं तुहानू कह नहीं सकती दस नहीं सकती भैन जी, राती रोटी मैं अपने पुत्तां नू क्यों ब्याया मैनू की सुख है। तो ये जो रोने वाली जो है जनानियों की आदत होती है ये मतलब जो भी रो रही होती है ज्यादा तो ये मकर लगन की होती है, वैसे तो ट्रेडिशनल है लेकिन फिर भी ट्रेडिशन में तो इंडियन ट्रेडिशन भी तो कोई चीज है, लेकिन फिर भी ये जो हुआ ये मेनली दिस इज मकर लगन, काम करते भी जाना रोते भी जाना, मेहनती भी होंगी मेहनती बहुत होंगी, क्यों अर्धी जमीन से जुड़े लोग हैं मूवेबल कुछ करना चाहते हैं शनि हार्ड वर्कर है बट रोते रहेंगे, और क्योंकि अर्धी और मूवेबल है और शनि है शनई शनई काम करने वाला शनई शनई काम करने वाला, तो कोई लंबा काम हो जैसे भाई दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो स्टार्टेड इन 90s टुडे इट इज 2017 इट मे गो ऑन फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स मोर, सो 30 इयर्स 35 इयर्स प्रोजेक्ट, वो आप एरीज असेंडेंट को नहीं दे सकते क्योंकि मेट्रो बनानी है वो तो बस कल तक छप जाएगी जी सारी मेट्रो। तो ये प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग से काम करना, इसलिए मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट के लिए कैप्रिकॉन बहुत अच्छा है, ये रोता ही रहेगा ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद बॉसेस ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद द जूनियर्स, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, तो कितना ही नहीं काम यार पूरा है भी रह गया वो भी रह गया, तो द जूनियर्स आर ऑलवेज ऑन द रन, उनको हो सकता है काफी लंबे दौर तक फिर वो चीजें पसंद ना आए वाद अपने हमें अलग है, लेकिन वो उसकी आदत होती है इस तरह से बिहेव करना है।
बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया। तो नहीं, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट हो गया ना, वो लंबा काम है तो वो बहुत टाइम से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल, उसके लिए कैप्रिकॉन इज बेटर देन लियो। लियो हो गया जनरल, बैठना है उसको वॉर रूम के अंदर और बताना भी तू इधर निकल, तू इधर निकल, तू इधर, वेरी गुड जजमेंट। ठीक है, कोई कंपनी भी चलानी है तो भी अच्छा, कंपनी चलाने के लिए कैप्रिकॉन भी अच्छा, बट लंबे दौड़ के लिए जो बहुत ही बिग प्रोजेक्ट है उसके लिए कैप्रिकॉन विल ऑल्सो बी वेरी गुड। ट्रेडिशनली टू लियो बुरा बुरा बोलिए, काम करने के तरीके में फर्क होता है ना, कोई गलत ठीक कुछ नहीं होता है, कहीं कोई तीर चल जाता है, कहीं कोई तुक्का चल जाता है। इसके बाद हाँ जी, वो म्यूट कर दिया मैडम मैंने आपको, हाँ जी अनम्यूट कर लो, हाँ मैं ही कर लू, हाँ जी बोलो मैडम। सर जैसे कैप्रिकॉन्स के बारे में बोला जाता है कि दे स्लोली विन द रेस, मतलब जो इनका लक्ष्य है वो धीरे धीरे चल के भेड़ है एक, तो धीरे धीरे चल, इन अदर वे मैं भी वही कह रहा हूँ, इन अदर वे मैं भी वही कह रहा हूँ, हर्दी है मुंगो वाला, धीरे धीरे रेंग रहे हैं, ठीक है ना। मैडम मैंने भी सीखा कि धीरे धीरे चलते एकदम से ही कम कागज को रखते हैं, इसमें समोसा मत खाना, ठीक है ना। इसके बाद आ गया हम एक्वेरियस, एक्वेरियस हो गया आदमी घड़ा लेके जाए, घड़े में डेप्थ है, घड़ा हो गया डेप्थ, आदमी लेके चल रहा है शनि, ठीक है ना। घड़ा बता रहा है कि जो ठीक है, और ये फिक्स है, मतलब घड़ा बता रहा है कि जो बात है उसमें गहराई है। अब ये भी एरिया हो गया एक्वेरियस, लिब्रा भी एरिया हो गया और जेमिनी भी एरिया हो गया, ये तो द्विस्वभाव है, तो इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, ये तो फालतू की फेंक रहा, ये पागल ही है, ये जो है इसकी बात गहराई है और उस बात पे ये अड़ा हुआ, जो बात कह दिया है आपको हो सकता लगे ये हवा में बात है, क्योंकि तो ये तीनों बातें हवा में लग सकती है, जेमिनी की भी, लिब्रा की भी और इसकी भी, तीनों की बातें हवा में लग सकती है, लेकिन ये उस बात पे अटिक है, उसकी बात में गहराई है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 95 में 94 की बात अगर मैंने 94 में अगर कोई कहे कि भाई एक ऐसा फोन आएगा जो फोन लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में भी जा सकते हैं और आपके जेब में पड़ रहेगा और आप बात करेंगे, तो उस समय पर नेशनल पैनासोनिक का एक वायरलेस फोन आता था जो 10 मीटर तक काम करता था, कहते थे 100 मीटर तक काम करता नहीं करता 10 मीटर तक, तो आप रखते थे लोग यूं करके ना बात करते थे स्टाइल दिखाने के लिए, इससे पहले तो वो वाला आता था, ऐसे ऐसे वाला होता था ना, उंगली की बैंड बज जाती थी, फिर वो नहीं बल लगता था, फिर वो रॉन्ग नंबर लग गया, फिर लगे, फिर लगाते रहे, एंगेज आ गया, फिर आ गया, फिर वो उसके बाद नेशनल पैनासोनिक ऐसे बटन दबाने वाला, क्या था उस पर ABCD लिखा होता था, समझ नहीं आता था ABCD का मतलब क्या, फिर बाद में वो SMS आ गया, नहीं गए तो 94 में कोई ऐसे गए तो आपको लगेगा यार बड़ी अजीब सी बात कह रहा है कि भी किसी कंट्री में चले इतना बड़ा वायरलेस, तो हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे ये हवा में फेंक रहा है इसकी बात बेकार की, एंड इट बिकेम अ रियलिटी इन 95-96, बट देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट for a common man to possess a phone. The incoming was 24 rupees. ठीक है ना, तो यूं देख के बंद करके लैंडलाइन से फोन करते थे, फोन ले लिया था वो 5000 रुपए का मैंने रिचार्ज कराया था, वो 5000 के रिचार्ज लाके वही खत्म हो गया, कभी बात ही नहीं करी फोन पे, लैंडलाइन पे करी, ठीक है, वो 5000 का रिचार्ज ही खत्म हो गया, ठीक, तो इट वॉज सो कॉस्टली। तो फिर आया कि भाई ऐसा ऐसे अब आएगा कॉल की जो रेट्स है इतने कम हो जाएंगे, इवन अ रिक्शा वाला कैन पोजेस, सो इट ऑल्सो बिकेम अ रियलिटी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर SMS आ गया, मैसेज आएगा,
फिर वो बोले वीडियो हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह से बातें सुन रहे हो, आप लोग यार बेवकूफाना बात कर रहे हैं, 2001 की बात है, इसमें वीडियो कैसे चला जाएगा, पागल है। आज मेरे ख्याल एक तो लोग हैं जैसे मेरे का शिप्रा जी, आप शायद लगता है मोबाइल पे ही सुन रहे हैं, है ना। और एंड आई एम टीचिंग विद दिस वेबिनार फ्रॉम 2010 और 11 ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और दिस फर्स्ट टाइम हैपेंड इन 1986 और 7, राजीव गांधी जब पीएम थे, तब पहली बार ऐसा हुआ था कि सैटेलाइट्स ने पूरे वर्ल्ड को जो है वो करेक्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो ये टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए हर कॉन्टिनेंट से एक एक कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया से, एशिया से इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड होगा, उधर अमेरिका होगा, उधर मेरे ख्याल ब्राजील होगा, तो पांचों को कनेक्ट किया। नाउ वी कैन गेट दिस टेक्नोलॉजी फॉर फ्री ऑलमोस्ट, आई जस्ट पे 1000 rupees पर मंथ, 50 स्टूडेंट्स कैन अटेंड माई लेक्चर। तो अगर हम ये बात कहें तो ये एक्वेरियस कैन foresee all these things. So it is a scientist, professor, thinker, here with Scorpio. ये professor sir, ठीक है ना, air, हवा में बात, but उसपे fix है, मेहनत करेंगे उसपे, कह के नहीं बस कह दिया, they mean it. ऐसी जो मछली है वो भी गहराई में रहती है, आपको पता है, और ये Jupiter है, इसका भी लोग समझदार है। अपनी बात से स्लिप कर जाएंगे, तो जो ये वादा करेंगे उसको नहीं निभाएंगे, ये कब नहीं निभाएंगे, जब इनके ऊपर बात आ जाएगी, जब इनके ऊपर अगर बात आने को हो जाएगी फिर ये भाग जाएंगे, लेकिन तब तक आपकी के दोस्त रहेंगे जब तक इनके ऊपर बात नहीं आती। बेचारे कि यार वो मेरे तक केस हो गया, मेरी बेल करा दे, वो नहीं तेरी परछाई ना बीमार होगी, तो दे वहां से निकल जाएंगे, अपनी स्किन सेव करेंगे सबसे पहले। और क्योंकि ये समुद्र की गहराई में रहते हैं तो ये भी जो हो गए कौन हो गए, रिसर्चर्स हो गए। और ये भी क्यों भाग जाना चाहते हैं, किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये घबराते हैं, क्योंकि वॉटरी है। तो स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, ये तीनों मैं कायर तो नहीं कहता लेकिन डरपोक होंगे, डरते हैं, ठीक है। एरीज वो सबसे मुश्किल है डरना, ठीक है, डरता हर आदमी, नहीं कहता भी एरीज डरेगा नहीं, तो ये डर जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब उसको डराना मुश्किल है, ठीक है। इवन टॉरस है, लियो है, इनको भी डराना आसान नहीं, लियो काहे बात को डराओगे, वही डराता सबको, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम वर्गो पे, तो ये हो गया हमारा अर्थी साइन, तो जैसे हमारे तीन मॉटरी साइन हो गए, तीन फायरी साइन हो गए, इस तरह से तीन अर्थी साइन हो गए, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। टॉरस तो हो गया आलसी, कैप्रिकॉर्न हो गया मेहनती, बिल्कुल देखो डिफरेंट हो गया, ये भी मेहनती है, ये वर्जिन आइडियाज, वर्गो का मतलब है वर्जिन आइडियाज, और मर्करी साइन वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये जो वर्जिन आइडियाज और ये खुद जो इसका जो सिंबल है, लड़की जो है खुद ही नाव चला रही है अपने आप अकेली, ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो यूं कह सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो ये काम सोचेंगे ये खुद करेंगे, सेल्फ डिपेंड, अर्थी एंड मूवेबल, डुअल, डुअल, अर्थी एंड डुअल, एम करके या ई लगाना। तो ये देखो कि जेमिनी और इसमें सिमिलरिटी है बहुत, ये जो है दोनों मर्करी के साइड है, जेमिनी भी और वर्गो भी, दोनों दुअल है, लेकिन एरी और अर्धी होने से सारा फर्क पड़ गया। ये हवाई के लिए नहीं उड़ाने वाले, ये बेवकूफ नहीं बनाने,
ये अपने से काम से मतलब रखना है, खुद ही काम करेंगे। दीज आर ऑल अबाउट 12th साइंस, आपको इतना ही समझना है। उससे ऊपर जो चीज है वो सिर्फ किताबों में लिखने के लिए होती है, 1000 पेज की किताब बन जाती है, बेजान दर वाला बुक्स ऑन साइंस। तो उसको आप YouTube वगैरह पे भी देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आता, बोलता क्या है किसी को पता नहीं, खुद उसको भी नहीं पता चलता क्या बोल रहा। जो जेम स्टोन है, जो भी 21 मार्च से 19 अप्रैल को भी उसका है बुआ, तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा क्या आएगा, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको खुद ही नहीं पता है। इन लोगों ने ज्यादा जो है बर्बाद किया है जो साइंस को। अब इसको साइंस भी कहना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ही लोग जिम्मेवार हैं कि लोगों के सामने इसको अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि इट इज अ साइंस। सभी लोग आते हैं ज्योतिषी के पास जब वक्त खराब होता है, जब वक्त ठीक होता है तो ज्योतिष अंधविश्वास होती है, और जब वक्त खराब होता है तो ज्योतिषी के पास ही बैठे होते हैं कि यार साढ़ से तो नहीं चल रही, ठीक है। बट इन जनरल पब्लिक, इन ओपन, यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट इज साइंस। मेरी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, एमए किया उसने साइकोलॉजी में, तो वो ये कहती है कि अगर कोई ये पढ़ लेगा तो इज एबल टू, मतलब ये साइंस पढ़ लेगा, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इवन थोड़ी केमिस्ट्री भी, तो ही कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन बेटर देन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इटसेल्फ। बट उसके बाद भी हमने मतलब प्रूव कर पा रहे, उसके बाद में वो सारी थ्योरीज फेल है मुझे साइकोलॉजी के, फेल नहीं मैं कहता, मतलब इट इज बेटर, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, मतलब बेटर है। और विद द टाइम मतलब इसको हम ये कर सकते हैं कि आदमी इंप्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होती है, नींद नहीं आती, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम दिस साइंस रादर अदर साइंस। बट वो क्योंकि हम उसको हमेशा अखबारों में टीवी में वो 60 करोड़ लोग एक प्रेडिक्शन करते आए हैं, तो वी आर नॉट एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी क्या टाइम हो गया, 40 मिनट बाकी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस। इसके बाद अभी जो हमने करना है वो करना है मून की। सर रूपाली है? हाँ जी रूपाली। एक क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड्स है तो यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ राहु एंड केतु? नहीं, क्योंकि वो छाया ग्रह है, वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, दे आर नॉट, मतलब ओके सर एरीज हूँ, अभी ब्रेक दे दूं फिर ये बुलाने मुश्किल है, बुलाने मुश्किल है। हाँ आप निकल लो, इसलिए मैंने आपको कहा था, मैंने लिख दिया था आपको मेरी क्लास कितने बजे से कितने। चलो ठीक है, मैं इसका बताऊंगा आपको। मेरे पास नंबर है ना आपका, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई आता है तो आई मेट यू। अच्छा अच्छा, तब तक कुछ कहने वो तो कोई बात नहीं, आज का तो इश्यू नहीं है, कनेक्टिविटी है, ठीक है सर, आसान है, ठीक है सर। अब ये रट्टा मारना है, आज का जो होमवर्क है उसमें रट्टा मारना है। 4 का मतलब हो गया कैंसर, कैंसर का लॉर्ड है मून, लियो का लॉर्ड हो गया सन, तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 मींस मून, सॉरी 4 मींस कैंसर मून, हाँ ठीक है, और 5 मींस मार्स, तो 5 मींस सन, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 5 का लॉर्ड सन है, कैंसर का लॉर्ड मून है, ठीक है ना, तो यहाँ कैंसर की जगह हम 4 लिखेंगे और लियो की जगह हम 5 लिखेंगे। इसके बाद जो है
जितने भी हो गए, जैसे हो गया मरकरी, हो गया 3 and 6, 3 इधर 6 इधर, 3 and 6, वीनस 2 and 7, 1 and 8 क्या हो गया मार्स, तो ये 1, 8, 2, 7, 3, 6 इनका टोटल करोगे तो 9 बनता है, तो आपको याद रहेगा क्योंकि 1 और 7 ही मुझे गलती नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा है ना। जुपिटर का हो गया 9 and 12, सजिटेरियस पाइसिस, शनि का हो गया कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, तो ये याद करने हैं आपको क्योंकि ये इसके लॉर्ड है, 10-11 का लॉर्ड शनि, 9-12 का लॉर्ड जुपिटर, ऐसे 12 and 9, 21, 10 and 11 is 21। कोई एक पिछली वो पता पत्नी बता, शाम का कोई हॉरर उसको बता दे, November 23 hours, 23 hours, जिसका हॉरर उसको हमने बनाया था आपकी कॉपियों में होगा, मून कहाँ पर है, जिसका असेंडेंट क्या है इसका, मून कहाँ है इसका, सर इमेज ब्लर हो रही है सर, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, ठीक है, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात कर जाओ, तो इधर बैठ जाओ, इस तरह बैठ जाओ, ठीक है, गड़बड़ोगे। ये पीछे हमने हॉरोस्कोप एक बनाई थी 19 नवंबर 2005 की, तो उसमें मून 12th में था, अब पहले हम देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या थी मून की, ठीक है, तो हम एग्जैक्ट 23 आवर्स की बनाएंगे, जो डिग्रीज अवेलेबल है एफएमरीज में वो सुबह 5:30 बजे की डिग्री है, तो हमें देखना है कि ये 23 आवर्स हो गए जब घड़ी में, तो ये कितना चल गया, तो मतलब टाइम कितना पास हो गया, तो उस टाइम पास होने में मून कितने डिग्री चल गया, ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा ये 24 आवर्स में कितना चल गया, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून ऑन 20th नवंबर 2005, एट 5:30 आवर्स, longitude of moon on 19 November 2005 at 5:30. तो टोटल वो कितना चल गया? ठीक है? उसकी डिग्री निकाल लेते हैं, फिर मेरी खोलनी पड़ेगी, तो मैं खोल लेता हूँ। तो ये हो गई जी हमारी एफएमरीज, और ये हो गया हमारा शेयर स्क्रीन, ठीक है, तो मून ये लेफ्ट में देखते हैं कि 20th नवंबर को तो मून की डिग्री है 2:20:45, सेकंड साइन 20 degree 45 minutes, और 19 को है वो 2 sin 8 degree एंड
19 मिनट्स ये जो एफएमआरएस है उसमें 5:30 की ही दी जाती है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ टॉप पे चले जाओ एट जीरो आवर्स यूटी और 5:30 AM आईएसटी ऊपर कृतिका एंड अग्रहण ने लिखा हुआ है ना कृतिका श्रुतिका एंड ऑल ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका जो इसको हम डिडक्ट कर लेंगे भी ये 24 घंटे में मून कितना चल गया तो ये 45 में से 19 घटाने पड़ेंगे तो 15 में से 9 हो गया 6 3 में से 1 गया। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन ये ऑर्डिनरी कैलकुलेटर से नहीं कर पाएंगे इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं। और 20 में से 8 गया 12 ठीक है। The moon has traveled 12 degree 26 minutes in 24 hours. To be exact, हम exact निकालेंगे। तो हम rough निकाल सकते हैं। ये rough कैसे निकालें? With time 23 hours 5:30 कितना moon चल गया 5:30 से 30 बजे तक 17 घंटे 30 मिनट ठीक है। तो भाई अंदाजा ले लिया यार 24 घंटे में 12 डिग्री चलता है तो फिर अंदाजा लगा लिया 17-18 घंटे हो गया 9 डिग्री हो गया 9 डिग्री से थोड़ा कम हो गया एवरेजली तो लगा सकते बट अगर एग्जैक्ट निकालना है तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा यार एक बार 14-15 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा टाइम डिफरेंस। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए आइदर वी नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर क्योंकि ये डिग्री मिनट्स की कैलकुलेशन है ये आवर्स मिनट्स की कैलकुलेशन है या फिर एक लॉग टेबल से आप कर सकते हैं कि लॉग ऑफ 12 डिग्री 26 मिनट इज इक्वल टू व्हाट एंड लॉग ऑफ 17:30 इज इक्वल टू व्हाट तो इसकी एक लॉग टेबल मिलती है उससे हमें समझ में आया उसमें हमारे को रिजल्ट आ जाएगा फिर इन दोनों को ऐड करके इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। ये वो वाला मेथड है जो मतलब आज से करीब 18-20 साल पहले तक एक्चुअली में यूज किया जाता था। उसके बाद जैसे 2001-2002 के बाद डेस्कटॉप लोगों के पास आने लगे और 2006-07 के बाद लैपटॉप आने लगे फिर सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल होने लगे तो अब लोग करते नहीं। पढ़ाया अभी भी जाता है मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको करना का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आप करो अच्छी बात है हमें तो आगे सॉफ्टवेयर से ही करना है बट यू शुड हैव एन आइडिया हाउ इट वाज डन दैट्स ऑल। तो घबराने वाली बात नहीं जिनको मैथमेटिक्स में हाथ का मोर है डर मत जाना ये कह रहा था कहने का मतलब यही है। तो बेटे तेरे को क्या समझ में आना है हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे बच्चे भी आगे बैठ गए मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे ये लॉग टेबल होती है 12:30 अब ये लॉग टेबल है प्रोपोर्शनल लॉगरिथम्स फॉर फाइंडिंग्स प्लैनेट्स प्लेसेस हॉरिजॉन्टल में आप देखो लिखा होगा 0 से लेकर 12 ठीक है ना तो आप इसको घंटे मान लो आप इसको डिग्री मान लो जो मर्जी मान लो हॉरिजॉन्टल में डिग्रीज है और वर्टिकल में मिनट्स है ठीक है तो 12 घंटे 12 डिग्री 26 मिनट का निकालना है तो ये 12 एंड में हो गया और 26 का जो हो गया वो हो गया 12 के आगे 26 तो ये हो गया 2856
तो हम ये रीडिंग लिख देंगे 0.2856 और एक है 1730, तो 1730 का हमें और देखना पड़ेगा। तो ये दूसरी टेबल है, मतलब दूसरे पेज पे है एक्चुअली। जुए आई मैडम क्या? तो ये 1730 हो गया, 17 ये हो गया, ये 13 ऑनवर्ड हो गया, पहले 12 तक थे, अब ये 1730। ये हो गया 1372। यहाँ लिख देंगे हम 1372, इन दोनों को टोटल कर देंगे, उसका फिर एंट्री लाओ ले लेंगे। 2, 6, 8, 5, 7, 12 अब ये हमें देखना है 0.4238 ये कहाँ पर है इस लॉग टेबल के अंदर, ये 0.4238 जो है लॉग टेबल में कहाँ है, तो हमें ये मिल जाएगी। तो ये टेबल पे देख लो आप, ये पहली वाली टेबल थी जो 0 से 12 वाली है, तो ये तो हमें अंदाजा ही है कि ये 8 डिग्री करीब चलेगा, है ना। तो 0.4238 कहाँ मिलेगा हमें ये देख। ये 4 to 6 है 9 degree and 3 minutes horizontal है ना, तो 9 degree 3 minutes मतलब है कि मून जो है वो चला है इन 17 hours 30 minutes, तो मून has traveled। सर जी मैडम सॉरी सर, 7, 5, 12 हो गए तो वो ठीक आ रहा था, 9 degree 4 minutes यहाँ पे कैलकुलेशन। चलो 9, 4 कर लो, बड़ी आग लग रही है सामने की ओर है ना, वो मतलब सिस्टम समझ आ गया, एक्चुअली सेकंड्स नहीं है इतना फर्क आ ही आया। इसने कहा दूसरे ने मानी नानक बोले तो मैं जाने, तो ये अब इसमें ऐड कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मून पता चल जाएगी। इसमें ऐड करनी है 19 किलोमीटर, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून 23 degree 9 ऑन 19 November 2005 इक्वल टू 2 sin 8 degree 19 minutes प्लस 9 degree 4 minutes विल कम टू बी 23 minutes 17 degree This comes the this here. This is the degree of moon exactly correct up to a minute. 23 hours. Computer में भी डालेंगे तो वही आएगा, exact वही आएगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। डाल लेते हैं, उन्नीस नवंबर ये हो गया हमारा 6 screen है, ये हो गया मून इज इन जेमिनी
17 डिग्री 25 मिनट्स, जो हमने हाथ से कैलकुलेट किया 17 डिग्री 23 मिनट्स, तो इट इज करेक्ट अप टू 2 मिनट्स। तो नॉर्मली एक मिनट का भी फर्क नहीं होता, बट वो सेकेंडों में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो हाथ वाले और कंप्यूटर वाले में इतना ही फर्क आएगा, एक एक मिनट का बहुत कुछ हो गया, दो मिनट का बाई चांस है भी, अदरवाइज ये भी नहीं होता। सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 19 की तरफ देखते हैं, वहाँ पे अगर 2 साइन पास और लेट्स से 15 डिग्री होता समथिंग या 18 डिग्री होता, तो हमने तो अगर 530 की तरफ लिखते तो गलत हो जाता। तो एक्यूरेसी के लिए हम ये सब करें ना, एक्चुअली शुरू नहीं किया, नक्षत्र बेस्ड करेंगे अभी ना, उसके बाद नक्षत्र के भी नो पार्ट है, उसके बेस पे उसके भी करेंगे। तो देयरफॉर वी नीड एग्जैक्ट डिग्री ऑफ मून, और ये जैसे करेक्शन अप टू 2 मिनट्स होगी, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती कई बार, नॉट ऑलवेज। एक मिनट तक तो ठीक है, ज्यादा फिर कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब लॉर्ड कैन ऑल्सो चेंज। और दशा के अंदर एक डिग्री के अंदर 5 मिनट तक का मूवमेंट, एक डिग्री एक मिनट इज इक्वल टू 2 to 5 डेज ऑफ दशा, दशा निकालते ना इसे। तो दशा अभी आपकी मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ मून। तो मून में अगर डिग्री में फर्क आ गया तो दशा शिफ्ट हो जाती है एक मिनट में 2 से 5 दिन, तो ये भी गलती हो सकती है, हो जाए। नेटल में फर्क नहीं पड़ता, एक काम आज हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, बड़ी आग लग रही है। बट प्रश्न ज्योतिष में कई बार बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आज तक 4 दिन तक दिन ठीक है, 4 दिन के बाद खराब है, तो वहां पर चले वो दिन तो ठीक वाले तो निकल ही चुके हैं, तो फिर वहां बड़ी मुश्किल है। तो दिस इज द वे, आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इट। पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे दोनों दिनों के बीच में मून की जो पोजीशन है उसे डिफरेंस दे देंगे, पता करने के लिए मून 24 घंटे में कितना चला, मोशन ऑफ मून इन 24 आवर्स, फिर कितने आवर्स का फर्क है सुबह 5:30 बजे से वो ले लिया, और फिर दोनों को लॉग टेबल में आके ऐड करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा इन 17:30 आवर्स जो डिफरेंस है उसमें मून कितने डिग्री चला, ये पता चल गया तो हमने ऐड कर ली, तो हमें पता चल जाएगा कि मून की एग्जैक्ट डिग्री उस दिन इस समय पे जब बच्चा पैदा हुआ क्या है या क्या रहेगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीजंस आई हैव टोल्ड यू, और जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर और आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हैं। सर अभी आपने जैसे वो होरोस्कोप का पैकेज दिखाया था ना, तो उसमें दो दो चार्ट थे डिफरेंट डिफरेंट, भाव चलित और लग्न, तो हाँ जी बोलो। हाँ तो वो भी हम लोग कवर करेंगे बेसिक में या वो एडवांस में आएगा? चलित को यूज करना जो है वो हम एडवांस करेंगे, चलित बनाते कहते हैं वो भी मैं एडवांस में बताऊंगा, लेकिन उसका मैं आइडिया आपको बता दूंगा कि चलित हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट चार्ट्स वो बता देंगे ना, उसको बनाते क्यों है और उसको हम प्रयोग करते किस वजह से, वो साथ ही में आ जाते हैं। ये दो चार्ट को छोड़ के कोई और चार्ट हम यूज नहीं करेंगे। तो आपने बुक्स में अगर पढ़ा है तो ये नवांश है, दशमांश है ना, पढ़े हैं मैडम? नहीं नहीं ये पढ़े, चलो अच्छा भी छोड़ नहीं। सर सुना हुआ है नवांश की अपनी इम्पोर्टेंस सुनी हुई है, बट मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज है। वो होती है मैडम कागज फाड़ के समोसा रख के हरी चटनी के साथ सर, जो चीज नहीं पता उसको चटनी के साथ खा ले। See, I am mechanic. We were taught steaming. It was taught to me. But if I would have joined railways, steam engine is absolutely not. But this thought is correct. They told me इट इज एन एक्सटर्नल कमर्शियल इंजन, इसमें क्या है कि जो इंजन होता है उसके पीछे एक वो रखी जाती है बोगी रखी जाती है, इसमें सिर्फ कोयला होता है और एक बोगी रखी जाती है जिसमें सिर्फ पानी होता है। तो कोयला भी डालते रहते हैं, पानी भी डालते रहते हैं, कोयला भी डालते रहते हैं, पानी भी डालते हैं, जब स्टीम बनती है उसके अंदर तो वो फिर पुश करती है पिस्टन को, तो पिस्टन से फिर वो गाड़ी चलती है।
इसलिए उसको कहते हैं छुक छुक गाड़ी, ठीक है ना। आपको ट्रेन छुक छुक नहीं करती, खत्म ही हुई छुक छुक। फिर क्या होता है कि अगर आप आपका डब्बा अगर छुक छुक गाड़ी के इंजन के साथ में है, तो आप जब छुक छुक गाड़ी में निकलोगे तो काले हो गए ही बोले वो दिन देखे दिन देखे दुनिया कहाँ पहुंच गई। तो वो अभी मैं बता दूंगा व्हाट इज नवा, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े, वो तो स्टीम इंजन में चलाना चाहते हैं। स्टीम इंजन अपने आप में भाई साहब ऐसा होता है 24 घंटे में तो वो स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं है ऐसे चाबी बाजी स्टार्ट होगा। पहले कोयला जलाओ, पानी रख के, पानी उबलेगा, कितनी देर लगती है पतीला में पानी उबलते हुए, ठीक है ना। अब उसमें इतना पानी उबालना है उससे ट्रेन खींचे, जस्ट इमेजिन कितना पानी उबालना पड़ेगा। And that to be under pressure, उसका temperature कम से कम आपको 200 तो ऊपर ले जाओगे, 250-300, तब वो push करेगा। 24 घंटे में जाके तो गर्म होता था और बंद हो गया तो उसको हाथ कौन लगाए, तो हफ्ते में तो ठंडा होता था वो भाई। अगर उसमें खराबी आ गई तो क्या करोगे आप, बंद करो। बंद करने के बाद तो वो तो हफ्ता तो ठंडा होता रहेगा, फिर तो उसको हाथ लगा सकते हो। That was the technology. उसमें यही होता है, नमाज में अगर आपने बना दिया तो हफ्ता 24 घंटे तो उसको गर्म करते रहोगे नमाज को, अब तो वो चलेगा। अब तो वो जमाना रहा नहीं ना। पब्लिक आजकल ऐसी हुई है कि उसको अगर प्रॉब्लम है खुजली वाली बात ना, खुजली है तो अभी मिटानी है ना, अब ये नहीं करना खुजली है भाई परसों आना पत्री दे जाओ, पत्री बनेगी और हफ्ते बाद है ना तो तुम्हारे जो है पत्री बांची जाएगी। पत्री कहाँ बांची जाएगी यार, बता यार, खट फिट। क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी हैज बिकम फास्ट, जस्ट पुट डेट टाइम प्लेस ऑफ जो हम कर रहे हैं, इट कम्स ठक 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 एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट एंड मेक अटेंशन एंड दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज वी आर डूइंग इट फास्ट वी विल बिकम इनएक्यूरेट लाइक फास्ट फूड हो गया, ऐसा नहीं। ये भी नहीं है कि भी नवाश है तो हम उसको सिर से नकार दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। 99% लोगों के लिए वो एग्जिस्ट करता है, तो वही रहने दो, उनको करने दो, लेट देम एंजॉय। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है मैडम जो कुछ खत्म नहीं होती। दो तीन चार साल का कोर्स है यहाँ है दिल्ली के अंदर पार्थिव विधवा भवन मालूम है सब, सफेद रंग की ड्रेस है, सुबह जाके देखना 7-8 बजे बच्चे आते सफेद रंग की ड्रेस, मेरी वाइफ भी वहीं की पड़ी हुई है। तो भारतीय विधवा भवन में 2 साल का कोर्स है, 2 साल के अंदर तो नवाश बनाना और ये पत्री बनाना सिखाएंगे, फिर 2 साल आपको रिसर्च कराएंगे। फिर बोलेंगे सर जी प्रेडिक्शन, बोले प्रेडिक्शन के लिए अभी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कम से कम 15-20 साल, फिर आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, फिर आप मेरे पास जाओगे 20 साल के बाद। बोले त्रेसा आपको तो आते ही कुछ नहीं, आप नमाश नहीं पता आपको, वो तब तक चला हो चुका था, उसको किसी में विश्वास रहता नहीं। तो वो वही हालत है, वो इस काम करती है वो नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ाएंगे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज जो काम करेगी, मैंने आपको बहुत थोड़ा एक बोर्ड पे लिख दिया, समझ लो आप A4 साइज के आधे पेज पे लिख सकते हो साइंस, दैट्स ऑल, साइंस इज ओवर। इज यूजलेस टीचिंग यू एवरीथिंग कि भाई भेड़ है, भेड़ कहाँ रहती है, भेड़ पहाड़ों पे रहती है, तो देश राशि रहती है उसको पहाड़ पे रहना होगा, आप किताबें पढ़ लेना होगा। एबोर्ड इज माउंटेन्स, नॉनसेंस है यार, मेरे को पता है 53 साल हो गई मेरी उम्र में, दिल्ली में रह रहा हूँ यार मैं पहाड़ पे, तो मेरे को क्या लेना देना है भाई पहाड़ से, तो ये तो यूजलेस होता है। अब क्या वो मीन राशि वाला पानी में रहेगा क्या,
शेर को गुफा में भेज देंगे, जो लीव लगा लगा अनाज चुनाव किताबें लिखते हैं उसको निकलेंगे। राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास, यही है राइट चॉइस बेबी। आपने बस यही याद रखी। सर किताबों की बात आ रही है तो एक पूछना था कि आपने भी दो तीन किताबें लिखी हैं, तो शुड वी आल्सो बाय इट फॉर अमेज़न और आपसे ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर तो मैडम कर सकते हो, किताब मत पढ़ो आप, रख लो पीछे रखने के लिए, अच्छी लगती है। पढ़ने पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता मैडम किताबों में, ये रखने के लिए होती है। पॉइंट बात यार, ये सिर्फ पाई है सारी किताबें पढ़नी, अभी मेरे से कब पढ़ की जाता, मत करो चक्कर में मत पढ़ो इस कचरा सब। किताबें इसलिए है कि वो मैं जब पढ़ाने शुरू किया 99 में तो मैं बेसिक भी पढ़ाता था, तो मेरे पास 8 स्टूडेंट थे, तो जब मैंने पहला पढ़ाया जो जो एडवांस का, तो इट वाज डिफरेंट भाई। कुछ स्टूडेंट जो है वो स्टार्टिंग के थे, 3-4 महीने उन्होंने ज्योतिष पढ़ी थी, कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पिछले 10 साल से ज्योतिष पढ़ी हुई, तो वो बोले जी इसकी कोई बुक है, तो मैंने कहा जी इसकी कोई बुक नहीं है, ये जो मैं साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तो इसलिए इसकी कोई पुस्तक बनी नहीं। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी यही मेरे को बात बोली, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, तो मैं भाई कोई आपको कहे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये और कोई नहीं जानता सिर्फ मैं जानता, तो यू वॉन्ट बिलीव इट, बोले यार ये ऐसे फेंक रहा है ना, फेंक हुआ है तो। बट हमने तो खैर उसके बाद भी उसको ट्राई किया, वी डिडंट फाइंड अ पर्सन हु न्यू दिस, तो उसकी बुक भी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा ये बुक अवेलेबल नहीं है मैं ही जानता हूँ, तो बुक छपी नहीं आप पढ़ लो, बट दे वर दोस स्टूडेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं जी बुक तो होनी चाहिए, वो एक खुजली होती है, किताब होनी चाहिए, वो इसलिए भी होती है मैडम मैं बताता हूँ आपको, आपको पता नहीं है आप बेसिक मेरे से पढ़ रहे हो, आई नॉट से लकी, आई से यू हैव कम टू अ प्लेस वेयर द टीचर विल टीच यू टू द पॉइंट सब्जेक्ट, इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, सीधी पॉइंट की बात करेंगे जो मतलब किया है, बेमतलब की बात नहीं करेंगे, डिस्कशन कर सकते हो कोई इशू नहीं। दो साल के अंदर मैडम कम से कम एक स्टूडेंट कम से कम 50 किताबें खरीद लेता है, जो 10 साल जो स्टूडेंट पढ़ के आ जो मेरे को आप जो, वो अगर उसको मैं किताब नहीं दूं उसको फील ही नहीं आती। अच्छा आजकल भी मेरे से पूछते हैं लोग ईमेल पे व्हाट अबाउट द कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल व्हाट इज कोर्स मटेरियल, आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको रटने के लिए क्या कहा था पहली क्लास में, वो केतु वीनस सन मून मार राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, और तो मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरी क्लास मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ बताया भी हो आपको पढ़ने को, मतलब को याद रखना है ठीक है, जोडिएक का आप डेफिनेशन आप याद कर लो, एरीज से ये 22 तक ये याद कर लो, और फिर मैंने बताए थे आपको इसके लॉर्ड याद कर लो, बड़ी बेसिक सी चीज, इतनी जानकारी अगर आप इतने से पेज में ही आ जाएगी ये सारी जानकारी पूरी बेसिक की, पूरे बेसिक सिर्फ इतनी से, खुजली नहीं करते वो तीन लोगों की यार, नहीं जी किताब चाहिए वो क्या करेगी किताब की भाई, किताब को क्या करेगा ये कोई वो है ना क्या नाम है, हर एक साइंस का अपना थ्योरी पार्ट है कि भाई कितना होना चाहिए, ये मेडिकल साइंस की तरह नहीं है कि वी हैव टू लर्न आई भाई आई की वो बताओ एक कॉर्निया फलाना है डीगड़ा है, बड़ी वास्ट है ये तो आई है, शरीर पूरा जितना पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, हमारे इसमें इतना कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल बात है, खेल खेल अपना पढ़ते रहो, ज्यादा सिर कपाई मत करो, 1000 योग की तो किताब है, अब 1000 योग पढ़ के आदमी क्या लगाएगा एक जन्म पति पढ़ के भी, पहले 1000 तो याद नहीं होंगे आपको, 20-25 याद होंगे, इसके बाद वाला तो आपको याद ही नहीं होने वाला, उसके बाद तो आपको याद आने दिमाग में घुसने बंद हो जाना है ठीक है, फिर उसके बाद अब वो योग कौन सा योग आपका लगेगा कौन सा योग नहीं लगा, 20-25 में से अब एक एक याद करके लगाओ, ये लगा नहीं लगा, ये लगा नहीं लगा, ये लगा नहीं लगा,
नहीं लगा, ये लगा, ये भी नहीं लगा, वो भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये बड़ा लगा। ये आदमी बहुत अमीर होगा, इसके पास घोड़े भी होंगे, कुत्ते भी होंगे, ऐसी है योजना। फिर एक लग जाएगा, ये आदमी गरीब होगा, उसको रोटी खाने को नहीं आएगी, दोनों योग लग जाएंगे। तो आप कंफ्यूज, कौन सा लगा, फिर तेरी साढ़ शक्ति आ गई, तेरा काल सर्प आ गया, तेरा शनि यहाँ बैठा है। अबे भाई, ना इसका कोई लेना है ना मतलब, ना इसका कोई सेंस किसी बात की। सीधा आदमी ने आगे पूछना, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी प्रमोशन कब होगी, बस सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बात। मेरी नौकरी कब लगेगी, तेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, तेरी शादी कब होगी, मैं फॉरेन कब जाऊंगा, तू फॉरेन कब जाएगा, बस तेरा योग लग रहा है नहीं लग रहा है, और तेरे 25 योग लग रहे हैं, बोलते फिर मैं फॉरेन कब जाऊंगा, बोलते ये काम है, तेरे 25 योग लग रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, नमांश, कश्मांश, होरा, ग्रेशकांड और क्या क्या सप्तमांश, तो वो सब टाइम कोटी। टाइम कोटी का मतलब जैसे 30 डिग्री का होता है, और ये 30 डिग्री का होता है। तो जैसे नमांश होगा तो इसको 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये हो गया डी पार्ट, हमने पढ़ाया अलग चार्ट। आजकल इसको कहते हैं सियाणे जो कहते हैं डी पार्ट, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, 15 डिग्री में बांट देते हैं, 15 डिग्री ये होगी, 15 डिग्री, ठीक है, तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो 15-15 डिग्री का एक बन जाएगा, फिर 15-15 डिग्री का उसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, डी टू बन जाएगा, रहेंगे 12 ही, डी थ्री हो जाएगा। इस तरह से डी नाइन हो जाएगा, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, डी एट, डी, जब कंप्यूटर जब तक नहीं था तो डी 60 तक थे, अब डी हटो नहीं सर, बेटा हस्बैंड के आगे बोल सकती हूँ, मेरी चटनी बन जाएगी। अच्छा, हस्बैंड है, ठीक। अच्छा, मैं तो आप ही को पढ़ा रहा था मैडम। तो D1 D2 ऐसे करके आज जब कंप्यूटर हो गया, D600 हो गया, तो 600 D60 का मतलब हो गया, means this 30 degree is divided into 60 parts, so 30 degree divided into 60 parts, तो 30 minutes का एक सब डिवीजन होगी, that is D60। अब D600 हो गए, एक आदमी के 600 चार्ट हो गए, तो मैडम जी कितने बनाएंगे हम, हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। It becomes impractical to work on. Something should be practical. So USA के अंदर simple car है. There is no gear. आप car के अंदर बैठो. Just you have to push a button. The car starts. There is a lever. Just you pull the lever. And then you have to accelerate. Then you accelerate and then there is a brake. Nothing else. Gear अपने आप change होते रहते हैं. India में वो concept ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, कि वहां पर लोग ना आराम पर ज्यादा, यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हम बहुत करते हैं। वो जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉट टेक्नोलॉजी, जो सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज वेस्टफुल सिस्टम। देयर विल बी अ महाबर्गर ऐप, घुसेगा नहीं, तो इट इज वेस्टेड, ठीक है। थोड़ा सा आप खाओगे, बाकी फेंक दोगे। देयर इज अ कोक, मीन्स दिस मच कोक, बॉटमलेस, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, ठीक है। इस तरह कार भी है, वेस्टफुल, उसमें
तो दैट इज अ कॉस्टलियर कार. सो अगर वैसे 10 लाख की कार होगी तो वो 12 लाख की हो जाएगी. गियर बॉक्सेस कॉस्ट एंड फ्यूल कंजम्पशन इज ऑल्सो मोर. तो इंडिया के अंदर तो इट इज इम्पोर्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड देन चीपर कार सेल्स मोर हियर राइट. तो हमारी जो मेनली कार्स हैं वो 10 लाख तक की कारें बहुत बिकती हैं. 10 लाख के ऊपर ही कारें नहीं बिकती. तो वहां पर 10 लाख से ऊपर वाली बिकती है. 10 लाख की कोई कार नहीं वहां पर क्योंकि वहां पर 1500 cc का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. 2500 cc से शुरू होगी कार. तो वो जो वेस्टफुल है. तो ये हमें मिनिमम चीजें यूज करनी है. कम सामान सफर आसान. तो अब क्या क्या मैंने पढ़ाया. स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास. यही है राइट चॉइस बेबी. सीधी बात नो बकवास. तो लास्ट वाला क्या था. कम सामान सफर आसान. तो कम सामान प्रयोग करेंगे जितना जरूरत होगी. अभी अब फ्लाइट आ गई जिसमें रोटी मिलती है. बिल पर राइट वाली थोड़ी ना कि कफन साथ में लेके जाना. तो पहले होता था वो ट्रेन में बंदा जाता था तो मतलब बताना जरूरी होता था. नहीं तो पहुंच गया हूँ तो बता देना पहुंच गए नहीं पहुंच गए. फिर क्या बिस्तर ऐसे टांगे रहना सुराई साथ में ठीक है. फिर वो मैगजीन वगैरह भी मिलती थी वो स्टेशनों पर. आजकल कौन नॉवल शॉवल लेके पढ़ते रहते. पता नहीं ट्रेन कब पहुंचेगी. अगर होता है 20 घंटे पहुंचेगी तो वो होता था 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाती है. एक दिन 20 घंटे पहुंचती. पहले टाइम भी नहीं पहुंचती ना. आपको पता है मतलब भी इंडियन जो है ट्रेन का सिस्टम ठीक नहीं है. टाइम पे नहीं पहुंचती. बोलते ठीक टाइम पे तो पहुंची है. बोलते नहीं 20 तारीख को पहुंचनी थी. किस तारीख को पहुंची है. तो वो मैगजीन पढ़ते रहते थे लोग. फिर वो स्टेशन पे चोरीपुड़ी चाय 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 लस्सी 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 चाय चाय चोरीपुड़ी आलू की चोड़ी मैडम आलू की चोड़ी केले ले ले. अब वो वक्त थोड़ा रहा मैडम. अब बात दुनिया बदल गई मैडम. जितनी आपकी फ्लाइट की टिकट है उतनी आपकी ट्रेन की टिकट है. कोई खास फर्क नहीं. टाइम से खाना वही मिलता है. आप अपना शर्ट पहनो पैंट पहनो नीचे अंडरवेयर भी पहनो जुराबे जरूर पहनो. जूते पहनने तो जुराबे ही पहनो. ऐप लगाओ उबेर ओला बुलाओ फट पहुंच जाते. मेट्रो 30 रुपए लेती है फटाफट पहुंचा देती है एयरपोर्ट. इट हैज बिकम चीपर नाउ. टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स चीपर और फास्ट. तो वो चीज कहां ये नवांश दशमांश अष्टांश. तो पहले हम लगन चार्ट देखेंगे. फिर आपका D1 देखेंगे D2 देखेंगे D3 देखेंगे D4 देखेंगे D5 देखेंगे D6 देखेंगे D9 देखेंगे D20 देखेंगे D30 देखेंगे. तो क्या क्या देखेंगे. मतलब एक वाइफ को हमारी तरफ भी देख ले कि हम भी कुछ पूछ रहे हैं. तो वो तो बात रहेगी ठीक है. अच्छा मैडम गुस्सा काम किया अगर बस यही जो आपने पूछा था उसका जवाब देना. तो मैंने लंबा वाला दे 10 नंबर का आंसर दे दिया. पूछता आपका क्वेश्चन बेचा है 2 नंबर का हो. मैंने जवाब 10 नंबर का दिया. सर एक चीज पूछनी है. मतलब ये चीज अभी तो फिलहाल कोर्स से रिलेटेड नहीं है. बस ये थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जैसे आप किसी चीज में अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो प्लांट में. एक जनरल बात पूछ रही हूँ सर. कुछ रिलेटेड नहीं है कोर्स से लेकिन आप उसकी रेमेडीज कैसे देते हो. मैडम जी आसाराम बापू कहाँ है. मैडम दिल में. मैडम जी ये तुम्हें शर्माने वाली क्या बात. मम्मी वो जेल में है. जेल में सर. हाँ वो है ना जेल में. हमें क्यों शर्माना. सर मेरा क्वेश्चन ये है. मैं बता रहा हूँ. नहीं सर क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्रेडिक्ट किया सपोज कुछ भी आपने किया क्या हम बींग मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो इवेंट हम कम कर सकते हैं या वो इवेंट टल सकता है. जैसे मैंने आज तक जितना भी लाल किताब को देखा या समझा वो ये कहते हैं कि फलाना अपने सिर से वार के फेंक दो तो ये इवेंट ही नहीं होगा. वैसे ही होता है.
निरंकारी बापा मैडम जी काम is it, is... बता रहे मैडम जवाब तो सुन निरंकारी बापा जी कहाँ नहीं मेरे को नहीं पता सर निरंकारी बापा पता नहीं कहाँ रहते हैं सर मुझे नहीं मालूम बताता हूँ मैडम वो अब स्वर्गवासी मम्मी को हम पापा ले लेना पहले होता है जब मर जाता है अच्छा सबको स्वर्गवासी कहते हैं मैं ही मरूंगा सब बोलेगा स्वर्ग में ही गया कहेंगे तो लोग यही अब हमने को मतलब आज जाके इसको डंबा शंबा डांस हमें तो कुछ नहीं दिखाना है मैडम कहेंगे तो सभी यही मैडम स्वर्गवासी होंगे वो कनाडा में स्वर्गवासी होंगे ये डायड कार एक्सीडेंट ठीक है ना मैडम और जितने आशीर्वाद उन्होंने कनाडा के दिए होंगे किसी ने नहीं दिए होंगे पापा जी कनाडा जा रहे हैं आशीर्वाद दे दो बोले जा काका क्योंकि वो पंजाब में मशहूर है तो पंजाबी बंदे ने कनाडे जाना होंगे तो पता ही कनाडे कनाडे से आशीर्वाद बंदे कनाडे में खत्म हो गया अब ये मेरे को बताओ मैडम जी भगवान की वाइफ किडनैप हुई थी नहीं हुई थी तो क्या बार आया उन्होंने कि वापस आ गई लड़ने ही वो तो एफर्ट ही था सर अपने लड़ने ही पड़ते मैडम अब वो हनुमान जी जाते रावण के ऊपर यूं मार देते उनके तो फ्लाइट का आइडिया था वैसे ही फ्लाइट पे चले जाते थे आपको पता ही तो भरत भी उनको फ्लाइट में आपको पता में फ्लाइट था ना वो ऐसे घुमा घुमू के कर देते नहीं हो पाया ना भरत भी नहीं आया भाई के लिए लड़ने के लिए बोला भाई ये रावण रोवण का चक्कर है मैं नहीं पता पीछे ये भाई भाई बताते हैं मैडम पता नहीं असली क्या हिस्ट्री कोई नहीं जानता ना और हनुमान जी ने बताया होगा ना भाई तेरी भरजाई तो किडनैप होगी बाबा अब ये तो कोई नहीं पढ़ाता मैडम रामचंद्र जी की स्टोरी के अंदर की भरत आया भरत बोला चलो मैं भी सेना लेके चलता हूँ हनुमान जी के साथ वो तो वही बैठा आएंगे तो ठीक है नहीं तो अब तो बैठे हम तो बैठे हैं अब असलियत मैं नहीं जानता बट क्वेश्चन तो आता है सबके दिमाग में आता मेरे दिमाग में ज्यादा आता बात अलग है अब देखो जी विष्णु जब रामचंद्र जी चले गए विष्णु जी आए विष्णु जी का दोबारा जब जन्म होना था तो किस रूप में हुआ था कृष्ण के है ना yes. तो उन्हें ब्रह्मा जी से पूछा होगा यार इस बार कहाँ पैदा हो रहा हूँ यार पिछली बार तो तूने अयोध्या अयोध्या में दशरथ के घर पैदा किया था यार आप बताओ यार कौन से किंगडम का बनूंगा मैं यार किंग से बोलता बाबू इस बार जेल में पैदा होगा बोलता पाजी की कर रहे हो जेल में भगवान जेल में पैदा हो रहा मैडम बताओ ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट है मैडम ना को हॉस्पिटल में तो सारा पैदा करो जरा जेल में पैदा करें और उसको देखो मामा जी को अब तेरे को आकाशवाणी होगी कि आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा उन्हें मियां बीबी को कठे बंद कर दिया यार कैसे अकल का आदमी है यार आप ये देखो ना ये तो अकल की बात है ना मैडम ये तो घुमाने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें ये तो सीधी सी बात है कि देवकी का आठवां पुत्र कैसे होगा जब वो हस्बैंड के साथ सोएगी तभी होगा हस्बैंड को अगर अलग कर दोगे तो वो कैसे पैदा होगा मम्मी तो मम्मी की करेगी हाँ। जाना ठीक है सर ठीक है मैडम थैंक यू बाय जाओ बच्चे बाय कुछ बाप याद है बिल्कुल थैंक यू सर हाँ लाल किताब का बाकियों को बताया तो आपको बाद में बता दूंगा अभी मैडम लाल किताब के बारे में बता रहे हैं मैं लाल किताब निकालता हूँ इसमें सर्फ करेंगे जो गूगल के अंदर लाल किताब का राइटर तो उसमें नाम आएगा तो यार पास कर उसमें नाम आएगा रूपचंद जोशी ठीक है ठीक है तो रूपचंद तो इसमें नाम आएगा रूपचंद जोशी रूपचंद जोशी लाल किताब वाले ठीक है ना तो इसमें इमेज दिखाते हैं आपको दिखाते हैं रूपचंद जोशी जी को देख के आपको पता चलेगा कि रूपचंद जोशी जी को लाल किताब के उपाय काम आए नहीं आए ठीक है उससे हमें ज्ञान मिलेगा और जैसे ज्ञान मिलता है तो हमारे चक्षु खुल जाते हैं चक्षु मतलब आंखें ऐसे हो जाती है हमारी आंखें अच्छो ही इज द राइटर ऑफ लाल किताब ये देखो अब मैडम जी ये बता दो ये लाल किताब के इन्होंने लिखी है रूपचंद जोशी जी इनकी शक्ल से कहीं लगता है इनको राज लाल किताब का कोई भी उपाय काम आया होगा
नहीं कोई नहीं। अब इनकी जीवन के बारे में बता देते हैं आपको कि इनसे गोली चली थी, ठीक है। आप उनके गांव जो है फरवाला गांव है पगवाड़े के पास, नथिंग एग्जीग्रेटेड बट आई एम टेलिंग यू इज द ट्रुथ कि इनके यहाँ गोली चल गई। गोली चल गई तो ये भागे सारे के सारे, ठीक है, डर के मारे। यू हैव टू लीव द विलेज, कोई गैंग वॉर टाइप, तो इनको भागना पड़ गया और ये सारे कनाडा भागे हुए। एक इनका पोता जो है वो पंचकुला में रहता है, वो एस्ट्रोलॉजी की लाल किताब की प्रेडिक्शन करता है। लेकिन अगर आप उनसे मिलने जाओगे, बातचीत पूछोगे, तो आपको बाहर निकाल देगा। तो वो घबराए हुए हैं कि आज भी गैंग वॉर ना जाए, कोई मरमरा ना जाए, कुछ है तो बड़ा बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तभी लोग जो है अपना देश छोड़ते। एक हो गया कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, नहीं मैं मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, काम मिल गया, मेरा बिजनेस चल पड़ा, इसलिए नहीं भागे। वो भाग गए, दे हैड टू रन अवे। कोई लाल किताब की रेमेडी काम नहीं है। लाल किताब की रेमेडी क्यों काम आती है? जैसे आप यहाँ दो तरीके से आप मतलब एस्ट्रोलॉजी को, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करना भी सिखा दूंगा कि भाई कैसे इसको प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? दो तीन तरीके हैं बेसिकली, कि आपने ऐड दे देनी है 12 एक रिसेप्शनिस्ट रखनी है, ठीक है ना। 3-4-5 आपके एम्प्लॉई होंगे, वो बोधी शोधी लगा के घूमते रहेंगे, इधर उधर आग लगेगा बहुत काम हो रहा है, ठीक है ना। शुरू शुरू में हो सकता है 3-4 लोग भी आप रखने पड़े आपको, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि यार मेरी बारी नहीं आ रही, लोग तो बहुत आ रहे जा रहे हैं, तो टाइम दे दिया, अभी गुरु जी बुलाएंगे तो आपका टाइम आएगा। तो उसको 10 बजे बुला लेना और 2 बजे तक पकाना है उसको, 1:30 बजे के बाद भूखने लग जाती है बड़ी, तो उसको वहीं पका दे रहना। अब जब 2 बज जाएंगे तो उसकी भूख बहुत बढ़ जाएगी, तो उसको बुला लेना, ठीक है। अब गुरुजी ऊंचे आसन में बैठे होंगे, वो नीचे बैठेगा, ठीक है। गुरुजी के पीछे वो अगरबत्तियां और वो धूप सूप जल रही होगी, और पीछे वो काली माता की फोटो होगी ऐसी वाली, ठीक है। ऐसे करेंगे, गुरुजी के पास वो बैठेगा, 2 सवाल पूछेगा, गुरुजी हाथ पे लिख के देंगे, बेटा ये जाओ और ये उपाय कर लो, हमारा सफल हो जाएगा। उपाय हमसे कराने, बाहर पंडित जी बैठे हैं, वो आपको समझा देंगे। डोंट स्पीक एनीथिंग, नो प्रेडिक्शन गिवन, नथिंग। ही इज इन अ हरी टू गो नाउ, उसको भूख लग रही है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है दिमाग काम लग रहा है, ठीक है। ये साइकोलॉजी है मैडम। और तरीका होता है, एक तख्ती होती है मैडम, तख्ती के ऊपर ना यार छोटा सा एक हॉरोस्कोप सा बना होता है, ऐसे बना कुछ नहीं होता, ऐसे बनाया होता है आप ठीक है। अब ये तख्ती पे लिखा, हाँ भाई कितने भाई हो तुम, भाई बहन है, ये देखो 2 मैं लिखा हुआ, बच्चे कितने हैं 2, बेटा बेटी बोले 1 बेटा 1 बेटी, तो ये देखो ये 2 मैंने लिखा हुआ है, ये बेटा ये बेटी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यूं करके ना ए लिख देते हैं या कोई एस लिख देते हैं। वाइफ का नाम क्या है, ज्यादातर एस होती है, शिल्पा सुनीता है ना, तो ए और एस ज्यादा लिखते हैं, या ए से नाम होते हैं एस से होते हैं। तो वो बोले मीना, तो एम लिखा नहीं हुआ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसको इम्प्रेशन पड़ जाएगा, ये तो पहले लिखे होते हैं लोग। ये दूसरा मेथड है नारी एस्ट्रोलॉजी, नहीं वो वाला क्या, वो दैट इज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी, सो वी वांट टॉक अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट लेटर। जो लोग करते हैं, तो जब लाल किताब के उपाय देते हैं, और भी मेथड, लाल किताब का जो उपाय हुआ है उसमें उसने कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। कैच इज, ही हैज नॉट गिवन एनी प्रेडिक्शन, ही हैज गिवन यू उपाय। अब आप खुद कर लो या उनसे करवा लो। इसकी बहुत जान निकली होगी, बेल बाल का मैटर है, बच्चा नहीं हो रहा, IVF है, 5 लाख का खर्चा है, तो वो 10,000 दे ही देगा, ठीक है। तो ये मेथड है। अब लाल किताब का उपाय अगर नहीं लगा, उसने खुद किए और तो भी नहीं हुआ, इफ ही कम्स बैक, लाल किताब में लिखा
लाल की तरफ कुछ गलत नहीं है, आपने उपाय में कुछ कमी होगी, हम करा देते हैं, करके देख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसमें इफ एंड बट लगा लो। इफ एंड बट कैसे होता है कि भाई एक राजा था, राजा के बाल सफेद होने लगे, तो उसने बुलाया वैद्य को, बोलते मेरे बाल सफेद हो रहे हैं भाई, तो बोलते ये तो अब एज फैक्टर है, बोलता नो एज फैक्टर, व्हाई आर यू राज वैद्य, मेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, और कल तक इसकी औषधि ले आओ, नहीं तो आपको पता राजा का दे होता। अब वो घर गया भारी मन से, ऑब्वियसली उसने बीवी बोली क्यों परेशान हुआ, बोले नहीं कोई परेशानी नहीं, वैसे ही कुछ चीज सोच रहा हूँ। अच्छा अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो फिर तुम यूं कर लेना, अगर मैं नहीं रहूंगा तो इस तरह बातें कर। अब बीबी को लग गया कोई लफड़ा तो है, और बीबी तो मुंह से निकलवाई लेती है, आपको पते शादी होगी तो कैसे पता निकलवा लेती है, ऐसी बात है, हंसी जाता है। अच्छा तेरी मम्मी का पता, हाँ फिर ठीक, बीबी ने कहा कि ये दवाई तो मैं जानती हूँ, बाल कभी काले मतलब सफेद होंगे ही, तो उसने दवाई बना के दे दी। उसको बोला कि भाई ये दवाई देनी है, उसने कहा सुबह एक पुड़िया शाम को एक पुड़िया खानी है, वो पुड़िया खाते हुए बंदर का विचार मन में नहीं आना चाहिए, बस मैटर फिनिश हो गया, वैद की बहू की जान बच गई। यही करना है मैडम, 43 दिन के उपाय, सुबह 4:30 बजे उठना है, ये करना है, फलाने उपाय ये करना है, 43 दिन मैडम किसने उठना, किसने करना, ना उपाय होते ना कुछ, प्रेडिक्शन हमने दी नहीं तो हम गलत है नहीं, ठीक है ना। तो हमारा एक स्टूडेंट था, तो मैंने उपाय को वेरी यही जवाब दे दिया, मैं बताऊंगा आपको फिर भी हाउ टू मेक पीपल फूल बाय उपाय बताऊंगा। मैंने भी अपनी चेंज कर लिया स्ट्रेटेजी, पहले बिल्कुल साफ बात करता था, तो वो स्टूडेंट चले जाते थे दूसरों से पढ़ने, तो पढ़ने गए कि गुरुजी के पास, तो उन्होंने कहा भाई कोई भी अगर तुम्हारा किस्मत का ताला नहीं खुलता तो एक ताला और चाबी चौराहे पे रख के आना, तो कोई अगर उस ताले को खोलेगा तो तुम्हारा भी किस्मत का ताला खुल जाएगा। बोले जी वो वापस आएगा जी, वो ताला खुला, बोलता है गुरु जी वो ताला खुलने से जो हमारे जन्म पत्री के जो ग्रह है उसमें फर्क कैसे आ जाएगा, आप मेरे समझा दो। वहां ताला रखा हुआ है, उसने खोला, उसने बोला कि वो बंदे को मैंने देखा भी ताला खुला है, लेकिन मेरा तो किस्मत का ताला खुला नहीं, तो बोलना तो है भी नहीं, तो बोला तूने पीछे मुड़ के देखा क्यों, या फिर उसको बोले अलीगढ़ का ताला था या चाइनीज ताला था या लिंक का ताला था, बोले चाइनीज का तो वैसे ही देख करंटी नहीं होती। तो ये बातें मैडम बहुत देखी हमने, बाल सफेद हो गए काले वैसे कराएंगे, आप समझ आओ बात को, तो ये सब ना ड्रामा है मैडम, हुई है वही जो राम रची राखा, जो राम ने रचा वही होता है, तो कुछ ना होता, तुलसीदास जी ने लिखा है कुछ तो सोच के लिखा होगा, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह के चारों शहजादे जो है उनकी हत्या कर दी गई, तो इतने बड़े गुरु लोग ने बचा सके, आप ये समझते हैं मैं बचा लूंगा या आप किसी का जीवन बचा लोगे, कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं हम उसको, सच्चाई की तरह अवगत करा सकते हैं, बदल सकना अगर हमारे हाथ में होता तो मैंने ज्योतिषी पढ़ानी थी, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे शाम 4 बजे, बाकी तो बच्चे चले गए, ओके।